ये थायराइड थायराइड हार्मोन जो थायराइड की डिजीजेस होती हैं, ठीक है, थायराइड की डिफरेंट डिजीजेस जो होती हैं उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि आप उसको डिवाइड कर लें बेशक हाइपो या हाइपर थायराइड में, या आप उसको डिवाइड कर लें सिस्टम वाइज, दोनों दोनों बता दीजिए, हाइपर में क्या सिम्टम होंगे, हाइपो में क्या सिम्टम्स होंगे इन ईच सिम्टम। जी अतीक बताओ, आप अतीक बताओ, शाबाश। सर मैं जी जी बताइए बता सर, एक मिनट, मैं जरा एक सर आता हूँ सर, एक मिनट मुझे, एक दो मिनट मुझे। जी सर जी हाइपर बताइए। थायराइड के बताऊँ, अगर जी, पेशेंट हाइपर थायराइड को प्रेजेंट कर रहा होगा तो उसके फीचर्स, उसकी मेजर फीचर्स में वेट लॉस हो रहा होगा, डायरिया होगा, मसल वीकनेस हो रही होगी, और उसको हीट इंटॉलरेंस होगी, नर्वसनेस, नर्वस होगा वो पेशेंट। और अगर हम कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो उसमें लेफ्ट सर वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज मिलेगा हमें उसका, आई थिंक डायस्टोलिक डिक्रीज होगा या सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सिस्टोलिक उसका इंक्रीज होगा। और बाकी एनेमिक होगा वो, यही होगा सर। मैं बताऊं जी बताएं। सर, थायराइड डिजीज या तो पेशेंट हाइपोथायराइड होगा अच्छा या एक मिनट हाइपोथायराइड। एक मिनट एक मिनट, नुसरत आपके पीछे बहुत शोर हो रहा है, प्लीज आप इसको, मुझे नहीं पता माइक का चक्कर है क्या चक्कर है, आपकी आवाज आधी आ रही है आधी नहीं आ रही, तो प्लीज आप मेक श्योर कि आप अपना जगह चेंज करो या स्पीकर को चेंज करो या कुछ करो कि जिससे आपकी शोर पीछे से बहुत ज्यादा आ रहा है। जी नुसरत आपको मैंने म्यूट किया था, आप अनम्यूट करो, और आप अगर कोई पीछे से शोर आ रहा है उसको प्लीज मैनेज करो। जी अच्छा सर, इसमें हाइपर थायराइड के जो इफेक्ट्स हैं हमको। आई एम सॉरी, ये गलती से म्यूट हो गए, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। हाँ हेलो, एक मिनट देखें मेरी बात सुने प्लीज, पहले फैसला कर लें किसने जवाब देना है फिर वही जवाब दे, बीच में इंटरप्शन होती है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो एक सर पहला क्वेश्चन, आपने पहला क्वेश्चन कैसे जिससे पूछा शुरू, अभी? मैंने, चले आप बता दो, आपने बताना शुरू किया था, आप बताना शुरू कर दो, ठीक है। हाँ मुझे कह रहे हैं सर? हाँ आपको कह रहा हूँ। हाँ सर, देखें जो थायराइड के पेशेंट होते हैं या तो इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ पेशेंट होगा तो उनमें जो है तो जनरलाइज सिम्टम्स होंगे, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जनरलाइज में सर इनमें वेट लॉस होता है, हीट इंटॉलरेंस होती है, मसल जो है तो वेस्टिंग होती है इनके अंदर। इसके अलावा सर ये पेशेंट जो है तो पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, इसकी जो है ये वो दे सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है तो ये इनमें मिल सकती है इन पेशेंट्स के अंदर। और इसके अलावा सर सर ये तो साइन सिम्टम्स है, इसके फर्दर कुछ और बताना है सर? जी, साइन सिम्टम तो आपने आपने मुकम्मल बताए हैं, और आप ठीक पहले है। अच्छा, कोशिश इनमें करेंगे इनमें जब भी, एग्जोथैलेमस होता है एक सेकेंड एक सेकेंड, जब भी इसमें आपने कोई सर, एनेस्थीसिया सिस्टमिक से, बताऊं? आपने एनेस नहीं, सिस्टेमिक भी बेशक बता दें लेकिन कोई एनेस कोई हाँ तरतीब तो हो ना, आप एक एक सिस्टम का बता रही ठीक हैं, है दूसरे सिस्टम का बता रही हैं, एनेस्थीसिया से रेलिवेंस के हिसाब से बता दें। सर। एनेस्थीसिया रेलेवेंस में सर ये पेशेंट जो है तो यू थायराइड होने चाहिए, ठीक है। ये पेशेंट जो है तो थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट जो है, इनके इनके साथ मस्तिष्क ग्रेव्स की डिजीज भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है तो ये पेशेंट सर हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक है। इनमें एरिथमियाज भी मिल सकती हैं इन पेशेंट्स के अंदर, और इनमें कंफ्यूजन होती है इनमें। सर मैं आपको अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट के लिए खामोश हो, हाँ अतीक प्लीज आपने तरतीब से बताना, एक मिनट अब एक मिनट रुक जाना अतीक, आपने सिम्टम्स साइंस आपने तरतीब से बताने, एनेस्थीसिया की रेलिवेंस के हिसाब से। नाउ यू आर यू रेडी अतीक? सर, जी अतीक सर रेडी हूँ। सर क्या बता रहे हैं सर आप? जी मैं, अब आप प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं करना किसी ने, अतीक आपने तरतीब से बताने हैं, सिम्टम्स पहले बताएं, साइंस बताएं, एनेस्थीजिया की रेलेवेंस वाली चीजों को पहले बताएं, और जो बाकी जो जनरलाइज फीचर है उनको बाद में बताएं, हाइपरथायरायडिज्म।
सर सबसे पहले जो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज अभी आवाज आ रही है जी, अब बेहतर है। अच्छा सर, जो हाइपर थायरॉइडिज्म के बारे में बताऊं या हाइपो के बारे में बताऊं? हाइपर हाइपर। अच्छा, हाइपर में सर जो हमें मिलेंगे इसमें हमें मिलेगा इंसोमनिया, फाइन ट्रेमर्स, और आपका वो है ठीक भाई, सिस्टम वाइज बता दें। सीएनएस बता रहा हूँ ना, सीएनएस वाले बता रहा हूँ। सीएनएस में आपका जो होगा वो होगा आपके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो शॉर्टेंड होंगे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ना वो बढ़ जाएगा, और आपका ट्रेमर्स होंगे, आपके इंटॉलरेंस टू हीट होगा, और फटीग होगी, साथ इंसोमनिया होगा, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन टू नर्वसनेस होगी। ये सी एन एस के हो गए। अब सी बी एस की तरफ आते हैं। सी बी एस में आपके जो हाइपरटेंशन होगी विद इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वाइट पल्स वेरिएशन, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, और आपका एस वी आर डिक्रीज होगा, और इसके अलावा बाउंडिंग पल्स होगी और पल्पिटेशन होगी, हाई कार्डिक आउटपुट होगा, और कार्डियोमायोपैथी और एरिथमिया भी हो सकते हैं, ठीक है सर। और जिसकी वजह से आपके इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन आपके बढ़ जाएंगे, और आपका हाई मिनट वॉल्यूम होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसके अलावा सर फिर आ गए इसकी तरफ, आ गए आपका रिस्पा की तरफ, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आपका हाई होगा, मिनट वॉल्यूम भी हाई होगा, और आपका डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा, और एक्सर्पेशन ऑफ एस्टमा भी हो सकता है। अभी सर इसकी तरफ आते हैं, जी आई टी की तरफ आते हैं। जी आई टी में वेट लॉस होगा, और जो आपका डायरिया वाली सिचुएशन होगी, डिक्रीज ट्रांजिट टाइम कम होगा, एपिटाइट बढ़ जाएगी आपकी, और आपका एनोरेक्सिया होगा, और वोमिटिंग भी हो सकती है इन केस ऑफ सीवियर। इसके बाद आपके जेनिटल यूनिट की तरफ आते हैं, मेनोरिया, ग्लोमेनोरिया भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, और लॉस ऑफ लिबेडो, और ये भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है। फिर स्किन की तरफ आ जाए, आपका स्किन में मॉइस्ट स्वेटिंग होगी, मॉइस्ट हैंड्स होंगे, आपकी पार्वर एरिथीमा होगा, और साथ पीरियोर्बिटल एडिमा होगा, और डिफ्यूज वो हो सकते हैं, अर्टिक्रिया वगैरह भी हो सकते हैं, प्रोडाइटिस भी हो सकते हैं, और ये इसके बाद जो ना आपका न्यूरोमस्कुलर जो ना वो की तरफ आ जाए, तो मसल वेस्टिंग हो जाएगी, मसल स्टिफनेस हो जाएगी, और ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। फिर आई की तरफ आ जाए, आई में जो साइन होंगे वो वॉन जेरेफ साइंस होंगे, या अपर लिड जो है ना वो जैसे ऊपर से आप लिड लेग ऊपर की तरफ करोगे तो पेशेंट को जो है ना वो डाउन की तरफ जो है ना वो देखना शुरू कर देगा, अपर लिड रिट्रैक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ना रिंपल साइन जो है ना अपर स्क्लेरा जो है ना विजिबल, अगर आपने अपर लिड की रिट्रैक्शन को कर दी। इसके अलावा जो है ना मोस्टली दे आर इन ग्रेट डिजीज, और TSH वगैरह आपका कम होगा, और T3 T4 बढ़ेगा आपका, और सर कोई कुछ रह गया तो। अच्छा देखें, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई, ये तो आपने बता दिया है डिटेल में, ठीक है, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भाई आपने हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट को एनेस्थेटाइज करना है, तो एनेस्थेटिस्ट के लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होंगी? अब आपने फजूल बात नहीं बतानी, एक्स्ट्रा बातें नहीं बतानी, टू द पॉइंट मुझे हाइपर थायराइडिज्म के सिर्फ एनेस्थीजिया की रेलेवेंस के हिसाब से मुझे बताएं। अच्छा, जो एनेस्थीजिया के हिसाब से सर वो है, वो जो चीजें बताने लगा हूँ वो है आपके एनेस्थीजिया गोल्स की बात कर रहे हैं ना सर, आप उसकी बात पूछ रहे हैं सर। एक आपको हाइपर थायराइड पेशेंट को एनेस्थेटाइज करना है, तो आप उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या आप चीज देखेंगे? अच्छा, ये स्किन की प्रॉब्लम्स और जो अर्टिकेरिया है, ये तो आपके लिए इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इस तरह की आपने बेतहाशा चीजें बताएंगे, लेकिन इनमें से हमारे लिए एमेनोरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें ना। जो एनेस्थेटिस्ट के लिए है वो तो कुछ और चीजें हैं,
एनेस्थेटिस्ट के लिए अगर देखें, अब दो, अब आप जरा सा गौर से सुन लीजिए बात, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप तरतीब, एक मिनट प्लीज डोंट इंटरप्ट आई विल गिव एवरीवन चांस। देखें, एक एक थायराइड जब भी बढ़ता है तो मेजॉरिटी क्या चीजें होती हैं, या उसके साइज की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, या उसकी सिक्रीशंस की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साइज की वजह से क्या सिम्टम्स होंगे जल्दी से बताएं। साइज की वजह से इसके सर, बिकॉज ऑफ एयरवे सर, एक सेकंड, ये बीच में कौन बोल रहा है, एक मिनट के लिए प्लीज माइक म्यूट रखें, ठीक है सर। सर जो हाइपरथायरॉइडिज्म में है, वी हैव प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्ट एयरवे बिकॉज ऑफ गाइटर, उसमें एयरवे कंप्रेशन होगी या उसका रेट्रोस्टर्नल गाइटर होगा, ये नंबर वन पॉइंट। सेकंड नंबर, अभी बीच में आप क्योंकि बतानी, पूरी बातें बतानी है ना, तो मैं अब आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने अभी आपने मुकम्मल बातें बता दी, नहीं बताई आपने मुकम्मल, जब प्रेशर इफेक्ट होगा, एक सेकंड पूछा, देखे प्रेशर इफेक्ट से क्या क्या चीजें होंगी, प्रेशर इफेक्ट से डिस्फेजिया होगा, प्रेशर इफेक्ट होगा सर, हॉस्टेस होगी, ये पे कंप्रेशन होगा सर, और इसके अलावा ट्रेकिया जो है ना वो शिफ्ट हो सकता है, या अगर एंटीरियर मेडिसिनल मास इफेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी एक ना, मैं आपको करेक्शन के लिए बता रहा हूँ, आपने जो इतनी लंबी कहानी सुनाई थी उसमें आपने ये बातें बताई, आप सिर्फ किताब का रट्टा सुना रहे थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट अतीक, मैं आपसे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड चाहता हूँ, आप पता नहीं कौन कौन सी लंबी कहानियां सुना रहे थे, लेकिन टू द पॉइंट आपकी कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहले तो ये गौर से समझने की कोशिश करें कि जब ये सवाल आपसे कोई पूछता है ना, तो आपको अपनी मस्जिद पहले बतानी है, आपने अपनी मस्जिद बता दी, उसके बाद यार आप दुनिया जहान की बात बता दें। तो आपको ये जब भी थायराइड के बारे में बताना है तो पहले है प्रेशर, और मजे की बात है कि प्रेशर इफेक्ट विल बी सेम फॉर हाइपो और हाइपर, करेक्ट, समझ आ गई बात। डिस्फेजिया हो गया, इसोफेगस है ना वहां पे, इसोफेगस की कंप्रेशन से डिस्फेजिया हो गया, ठीक है। होर्सनेस क्यों होती है, होर्सनेस क्यों होती है, बिकॉज रिकरेंट नर्वस नर्व जो ना उसकी कंप्रेशन की वजह से। थैंक यू वेरी मच। होर्सनेस हो सकती है, अगर वो कंप्रेशन इतना ज्यादा कर रहा है कि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई, तो उसमें ऑर्थोपनिया, पीएनडी, और अगर वो कंप्रेशन हो रहा है तो वो उसकी वजह से साइंस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बता दिया जो उसकी, अब आपने जो सुपीरियर वेना केवल कंप्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर कंप्रेशन को अभी इसी जगह पे रुक जाए, अभी इसी, ये हमने साइन और सिम्टम्स देख लिए, इसी कंप्रेशन को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी होंगी सर? कंप्रेशन को देखने के लिए एक तो सर हम सबसे पहले एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, और दूसरा सर हम सीटी वगैरह भी कर सकते हैं, सीटी एमआरआई। देखें, अब आपको ये करेक्शन क्यों होगी कि आपने एक्सरे में बताना है कि इसके अंदर क्या होगा, आपको ट्रेकिया ये जो है ना थोरैसिक इनलेट पे आपको मैस नजर आ सकता है, आपको ट्रेकियल डिविएशन नजर आ सकती है। ये आपने ये नहीं कहना कि सीटी वगैरह करा लेंगे, एक्सरे वगैरह करा लेंगे, नो, जुमला कंप्लीट, ठीक है। एक्सरे टू सी एनी सुपीरियर मेडास्टिनल मास और ट्रेकियल डिविएशन, दो बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद सीटी स्कैन में भी इसी चीज को ही देख लेंगे, दो बातें हो गई। उसके बाद कौन सा एक्सरे, एक और एक्सरे होता है, वो कौन सा होता है, एक्सरे लैटरल नेक, लैटरल नेक होगा, जिसमें हम देखते हैं कि वो कोई एटलांटो एक्सिपिटल वगैरह जॉइंट वगैरह, और नहीं, एटलांटो एक्सिपिटल जॉइंट का यहाँ पे इसमें इस वक्त थायराइड के रेफरेंस से जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें नहीं है, ठीक है। कंप्रेशन इफेक्ट के लिए आपने कंप्रेशन के एरिया की वजह, डिस्फेजिया की हिस्ट्री है, डिस्फेजिया के आपने बाकी चीजों को भी रूल आउट कर लेना है, लेकिन अगर एक ऑब्वियस आपको मैस नजर आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। तो मैस की वजह से ये तकरीबन यही सारी चीजें हैं और यही सारे टेस्ट हैं, समझ आ गई बात। अच्छा सर, ये आपने बताया कि लैटरल वो है, वो आपका मास इफेक्ट की वजह से, मास इफेक्ट को देखने के लिए, और ट्रेकियल कंप्रेशन, लैटरल एक्सरे नेक जो है ना, ट्रेकियल कंप्रेशन नजर आ जाएगी ना, ठीक है समझ आई। ट्रेकियल कंप्रेशन आपको नजर आ जाएगी कि ट्रेकिया कंप्रेस, आप एक्सरे चेस्ट एक्सरे करेंगे तो या तो रेट्रोस्टर्नल आपको चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा, आपको सीटी स्कैन से पता चल जाएगा, और आपको पेम्बर्टन साइन से पता चल जाएगा। पेम्बर्टन साइन करवाते हैं ना,
पेम्बर्टन साइन कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं जी। पेम्बर्टन साइन होता है कि आप उसमें उसके हेड को आप उसको अगर इस तरह हाथ ऊपर करते हैं गर्दन की तरफ लेके जाते हैं तो उसका चेहरा जो ना विनस कंजेशन हो जाती है जी, और चेहरा जो ना वो ठीक है। अब आप मजे की बात प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं बहुत थोड़ा थोड़ा स्टेप आपको ये चीजें किताब में इस तरह नहीं लिखी हुई मिलेंगी, इसलिए आप लोगों को मेरी बातें इससे अजीब सी लग रही होंगी ठीक है, लेकिन ये दिस इज द वे। अच्छा कंप्रेशन, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर हमेरा ने, इसी वक्त एक और चीज भी करवानी है, इसी की चीज को ट्रेकियोमलेशिया भी ऐड कर लो जी। जी ट्रेकियोमलेशिया वो कंप्रेशन वही चीज है ना, आप ट्रेकियोमलेशिया इंट्रा प्री ऑपरेटिवली नहीं होगा, ट्रेकियोमलेशिया जब कंप्रेशन है ना तो आप एक्सपेक्ट करेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर है तो उसकी वजह से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव इसमें ट्रेकियोमलेशिया हो सकता है ठीक है सर। वो प्रेशर इफेक्ट में ये नहीं था ना ऐड हुआ, तो मैंने कहा नहीं वो प्रेशर इफेक्ट वो मैं आपको भी बताता हूं ये अभी एक सेकंड होगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपने वोकल जब होर्सनेस है ना तो होर्सनेस को देखने के लिए आपने नेज एंडोस्कोपी करवानी, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी का नाम भी आप लेंगे लेकिन इन 2020 इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी से ज्यादा जो चीज यूज होती है वो नेज एंडोस्कोपी होती है। नेज एंडोस्कोपी के जरिए देखा जाता है कि वोकल कॉर्ड्स प्री ऑपरेटिवली सही मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो होर्सनेस प्लस नेज एंडोस्कोपी ठीक है। तो ये कंप्रेशन करेंगे, शेयर्ड एयरवेज का जिक्र भी करेंगे सर ठीक है, अभी एक मिनट रुक जाए। अब आ जाए इसकी सिक्रीशंस, तो सिक्रीशंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। पहली तो बात यह है कि लैब फाइंडिंग क्या होंगी हाइपरथायराइड में, नेज एंडोस्कोपी जी, लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी थायराइड हार्मोन की सर। ये टीएसएच कम होगा और टी3 टी4 बढ़ेगा सर। अच्छा इसमें कोई स्पेसिफिक और कोई T3 T4 के लव्स के अलावा कोई आप बोलेंगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्या होगा? यूथायराइड नहीं फ्री T3 मुझे बताएं कि थायराइड हार्मोन कौन सा ज्यादा सिक्रीट होता है? T4 T3 एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? एक मिनट ये प्लीज, एक मिनट एक बंदा ही बोले प्लीज, बाकी लोग लिखें मैं सबको। सर T3 जो है, एक मिनट के लिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा तरतीब हो जाए प्लीज जी। अतीक ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, ओप्पो 15 जो अतीक बोलो प्लीज। T3 है ना सर वो एक्टिव फॉर्म है लेकिन सिक्रीशन उसकी ज्यादा है, T4 की ज्यादा है जी। तो आपने फ्री T3 देखना होता है क्योंकि सारा मेन एक्टिव फॉर्म तो वही है, तो फ्री T3 इसलिए तो करवाया जाता है ठीक है। ये प्लीज आप ओपो A15 प्लीज आपकी आपका माइक खराब है प्लीज आप ना यार ये इनको मैसेज करो कि प्लीज आपका माइक नहीं आवाज आ रही है आप ना बोले, ये दिस इज इंटरप्शन ठीक है। समझ आ गई बात, यहां तक समझ आ गई है? अच्छा अब यहां से पीछे चले, थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज कैसे होता है सर? जो थायराइड हार्मोन है उसमें जो चार स्टेप हैं, एक है आपका आयोडीन ट्रैपिंग है, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर आयोडिनेशन है, फिर कपलिंग है ठीक है सर। और इसमें होता ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है ना वो जैसे हम खुराक खाते हैं आयोडीन जो है ना वो आके हमारे उसमें चला जाता है बॉडी के अंदर, और कोलाइट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइट जो है ना वो आके ट्रैप हो जाता है बाय हाइड्रोजन परऑक्सीडेज के हिसाब से सर। जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो उसके साथ जो है वो कन्वर्ट इनटू आयोडाइड फॉर्म में आ जाता है। आयोडाइन जो है ना वो अब एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होके जब फॉलिकुलर सेल में चला जाता है आयोडीन में हो जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। तो सर वो थ्रू हाइड्रोजन परऑक्सीडेज जो ना एक्टिव फॉर्म आयोडीन का सर आयोडीन में हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब आयोडीन में होता ये है कि सर वो जो एक्टिव फॉर्म आयोडीन है वो टायरोसिन काइनेज के साथ मिलके मोनोऑर्डोटायरोसिन या डायऑर्डोटायरोसिन बनाता है। टायरोसिन काइनेज के साथ मिलके नहीं, टायरोसिन के साथ मिलके आयोडीनेशन होती है टायरोसिन की, थ्रू टायरोसिन के साथ मिलके सर टायरोसिन के साथ मिलके डायऑर्डोटायरोसिन या मोनोऑर्डोटायरोसिन बनाता है जो कि मिलके T3 और T4 बनाते हैं। हाँ जी, अगर MIT और DIT मिलेगा तो T3 बन जाएगा और दो DIT मिलेंगे तो T4 बन जाएगा ठीक है। और ये होता ही है कि जैसे ही ये बन जाते हैं ये टायरोसिन कहाँ पे स्टोर होता है? टायरोसिन कहाँ पे स्टोर होता है?
तरसीन हमारे सर वो इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द इसे थायरोग्लोबुलिन के साथ सर, थायरोग्लोबुलिन के साथ। देखिए ना, टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर दें, आयोडाइड ट्रैपिंग हुई, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन टू आयोडीन हो गई, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन हो गया, आयोडीन ऑफ टायरोसिन, आयोडिनेशन की टायरोसिन की वजह से एमआईटी और डीआईटी बन गया, एक एमआईटी और एक डीआईटी मिलके टी3 बन गया, दो डीआईटी मिलके टी4 बन गया, ठीक है। उसके बाद वो स्टोर हो गया अप्रोक्सीमेटली सर 100 माइक्रोग्राम सेक्रेट होता है ग्लैंड पर डे के हिसाब से, और 90% आपका T4 होता है और 10% आपका T3 होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक पॉइंट, जब थायराइड हार्मोन को रिलीज होना होता है तो क्या क्या चीज इसको रिलीज कराती है? जब सर बॉडी को जरूरत पड़ती है तो सर जो स्ट्रेस वगैरह या कोई उसका जो रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और TSH के जरिए, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, जो हाइपोथैलेमस से जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सर रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाके कहां पर एक्ट करता है, पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और पिट्यूटरी पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी पे वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो जो के सर डीप पिट्यूटरी पे एक्ट करता होता है और वहां से TSH रिलीज होता है सर वहां। तो क्या ऐसी कोई हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है जिसमें यूएली तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, कि जब T3 T4 बढ़ते हैं तो वो TSH को बंद करता है, लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर TSH भी ज्यादा हो? पिट्यूटरी एडेनोमास जी, ठीक है, जो अगर 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 जो उसका इफेक्ट जो है वो थ्रू पिट्यूटरी है तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। जो प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म है इट इज बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन प्रॉब्लम, और जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म है इट इज बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद एक्टिव फॉर्म जो है वो T3 होती है, और इसीलिए हम फ्री T3 देखते हैं। T3 की हाफ लाइफ कितनी होती है, T4 की हाफ लाइफ कितनी होती है? T3 की हाफ लाइफ जो है ना वो होती है तकरीबन 24 आवर्स तक होती है, 48 आवर्स, और जो T4 की जो होती है वो 6-7 डेज होती है सर, 6-7 डेज होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने ये देख लिया कि थायराइड हार्मोन को आपने क्या देखना है, ठीक है। अब ये हार्मोन निकला, अब इसने बॉडी पे कहाँ कहाँ पे एक्ट करना है, जो थायराइड हार्मोन है व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सर ये जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीक्रेट होता है बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ बॉडी के अंदर आकर सर ये इसके जो वो है जो मैंने याद किए हुए हैं वो 5D के साथ याद किए हुए हैं सर, अगर किसी को वो है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि थायराइड हार्मोन सेल के किस हिस्से पे एक्ट करता है तो आप क्या जुमला बोलेंगे? सर ये तो सर इसका तो मुझे मतलब सर देखे ना, चौखा माइटोकॉन्ड्रिया ना, जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो बॉडी का जो हमारा एनर्जी का स्टोर है वो क्या बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्ट करता है, तो उसी से ही सारा आप समझ ले कि हमारी बैटरी जो गरारी है वो उससे चलती है। और मैं यहाँ पर अपनी माँ को भी और दुनिया की सारी माओं को याद करके मैं कहूँ बताऊंगा आपको बात, कि हमारे जिस्म के अंदर जितने जितने हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमारी माँ से, ठीक है, क्योंकि जो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो टेस्ट जो जो होता है स्पर्म, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसकी उसकी टेल में होता है, तो वो बाहर ही रह जाती है टेल, और जो एग का होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर अपना DNA होता है और वो रेप्लिकेट करता है, तो इसलिए हर इंसान के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अल्लाह ने हमारी माँ से हमें दिए, तो हैट्स ऑफ टू आवर मदर्स, ठीक है, ये एक ऑफ रिकॉर्ड मैंने बात कर दी है, ठीक है, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, ठीक है, ये हमारा समझ लें कि बॉडी की एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ाता है, जब एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसका सारा और हर वो चीज़ के जिससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन के अंदर ज़रूरत होती है ये उसको भी एक्ट करता है, जैसे ये कैटेकोलामिन्स की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा सर इसमें फिर फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन में सर वो दो, इट कैन एक्ट एज एनाबॉलिक एंड इट कैन एक्ट एज अ कैटाबॉलिक एज वेल, और इसमें सर जो फंक्शन ऑफ द हार्मोन में सर इसके मैंने याद किए 6 या 7 बी बात किए B से,
ब्रेन मैच्योरेशन, बोन ग्रोथ, बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉक जैसे आपने बताया। ये कैटाबॉलिक किस तरह होता है? ये आपने कहा है कैटाबॉलिक होता है, ये कैटाबॉलिक कैसे होता है? ये ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स करता है, लिपोलाइसिस करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है सर। ठीक है। और सर इसके अलावा जो है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन और बता दिए मैंने, इसके अलावा सर ये इंक्रीज इंक्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम को बढ़ाता होता है और मैच्योरेशन ऑफ द लंग फिटल लंग को आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस थायराइड हार्मोन सर। ठीक है। अच्छा अब आपने अगर थायराइड के देखने हैं इफेक्ट्स बॉडी पे, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या क्या चीजों को चेक करेंगे? आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, साइन सिम्टम और इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कुछ करवाएंगे अगर हाइपर थायराइड को आपने देखना है? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री, ठीक है सर। और सर हिस्ट्री से हिस्ट्री में कुछ चीजें पूछेंगे जो सर मैंने बताई हैं। नहीं आपने सिर्फ एनेस्थीसिया के रेलेवेंस चीजें बतानी हैं। अच्छा सर इसमें नहीं मतलब सर एनेस्थीसिया रेलेवेंट से मुराद क्या सर कि मैं वो ना बताऊं नर्वस इरिटेबिलिटी ट्रेमर्स वगैरह ना बताऊं? नहीं नहीं जो चीजें एनेस्थीसिया से रेलेवेंट, ये चीजें तो एनेस्थीसिया से रेलेवेंट है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे आप जो थायराइड हार्मोन के लिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे आप, टैकीकार्डिया या उसको ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन? ठीक है हां सर वो देखते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब भी हाँ आपने बताया कि हाइपरटेंशन होती है, पहली तो बात ये मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें कि हाइपरटेंशन क्यों होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्यों होगी? सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इसलिए होगी सर आपका सर वो बढ़ता है ना सर आपकी टैकीकार्डिया की वजह से सर। सर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फिजियोलॉजी की वजह से उसमें अल्टरेशन होती है, बीटा 2 रिसेप्टर्स की वजह से सर। नहीं तो फिर उस हिसाब से तो बीटा 2 की वजह से तो वैसोडायलेटेशन नहीं होनी चाहिए, तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम नहीं होनी चाहिए। बीटा 2 कैटेकोलामिन्स की सेक्रेशन की वजह से सर मेरे ख्याल में। बहरहाल ये जो असल मेन रिस्पॉन्स है ना वो एरिथमियाज और टैकीकार्डिया है, हाइपरटेंशन इतना प्रोनाउंस रिस्पॉन्स नहीं है। जब वो होगा वो इनडायरेक्टली होगा, ये जब भी इंक्रीज होगा ना वो थ्रू कैटेकोलामिन्स होगा, ये डायरेक्टली ये थायराइड हार्मोन का इफेक्ट में आप ये देख लेंगे, क्योंकि मेरा शायद कॉन्सेप्ट फिर गलत है, क्योंकि हाइपरटेंशन इज नॉट द प्राइम फीचर, टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर। ठीक है नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं, जो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना वो ड्यू टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फिजियोलॉजी की अल्टरेशन के होती है ज्यादा, इसमें कैटेकोलामिन्स का कोई रोल नहीं है, वो आप सही कह रहे हैं कि सेकेंडरी कोई काज हो सकती है। नहीं कैटेकोलामिन्स का काज है, लेकिन उनकी वजह से हाइपरटेंशन इज नॉट द प्राइम फीचर ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसकी वजह से हो सकता है एसोसिएटेड, लेकिन यूजुअली दैट फीचर इज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर हाइपरटेंशन होता है, ये बिल्कुल उलट रिस्पॉन्स है, हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर हाइपरटेंशन होती है ज्यादा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका जो वो है ना सर हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर भी हाइपरटेंशन होती है, लेकिन इसमें सर आपका डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, ये वाली कहानी है सर। अच्छा चलिए ठीक है एनीवेज। अच्छा फिर उसके बाद और इसकी वजह से क्या फीचर आते हैं? ठीक है बाकी आई के फीचर्स हैं, आई के फीचर्स आपने बहुत डिटेल से बता दिए, जो मसल की वीकनेस होती है उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज हैं जो इनके इनकी मुख्तलिफ कॉजेज के साथ होती है। ठीक है तो अभी यहाँ तक समझ आ गई ये बात। अच्छा आप मुझे यहीं पे बता दें कि हाइपरथायरॉइडिज्म की कॉमन कॉजेज क्या क्या होते हैं? जो हाइपरथायरॉइडिज्म की कॉमन कॉजेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपका ग्रेव डिजीज है सर जी। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर पे आपका अल्लाह बल्ला करे वो है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉटर है। ठीक है और थायराइड वो है एक्टोपिक थायराइड है और आपका इंफ्लेमेटरी थायराइड है इसको, वो इसको क्या क्या नाम है इसका उसको एडिनोमा होता है। अच्छा मुझे बताएं कि तमाम थायराइडाइटिस से हाइपरथायरॉइडिज्म यूजुअली होता है एक्सेप्ट वन, वो कौन सा होता है थायराइडाइटिस? हाशिमोटो। ठीक है और हाइपरथायरॉइडिज्म जो है वो अगर एक्सोजेनस पेशेंट अगर ले रहा है आपका थायराइड की रिप्लेसमेंट ले रहा है तो उसके अंदर भी हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है। ठीक है
और एग्जोजिनस ले रहे हो तो उसमें भी हो सकता है. और अमोयोडोरोन इज आल्सो यूजुअली इट कॉज हाइपोथायरायडिज्म बट इट कैन आल्सो कॉज हाइपरथायरायडिज्म. ठीक है, और कोई दवाइयां हैं जिनसे हाइपरथायरायडिज्म हो सकता है? सर इसके अलावा जो ना हमारे पास अमोयोडोरोन है, अमोयोडोरोन से भी हो सकता है. अमोयोडोरोन तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा लिथियम कभी सुना है लेकिन सर कोई कह नहीं सकते सर प्रॉपर. लिथियम से हाइपोथायरायडिज्म नहीं होता, ट्रीट करने के लिए हमारे पास गोल्स क्या क्या है, क्या कुछ करना है? उसकी वजह से भी आपका रेडियंट थेरेपी. अच्छा एक मिनट, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान होंगे कि मैं सिर्फ एक बंदे से पूछ रहा हूँ. मैं एक दफा इसको तरतीब से करके उसके बाद नुसरत आपने और जो जो वाइवे के कैंडिडेट प्लीज हाथ रेज एंड कर ले ताकि मुझे पता हो गया. एक नुसरत है, एक खुर्रम है, एक सारा है, एक हरीश है और एक सुहेब है. Am I right? Anyone else? ठीक है, मैं सबसे पूछूंगा प्लीज. मैं एक चाह रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा तरतीब से जो बाद में सुने रिकॉर्डिंग उसको कुछ फायदा हो जाए. लेकिन आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट वे. आप लोगों को मैं खींच खींच के खुदा के लिए एनेस्थीसिया रेलेवेंस पहले बताया करें. ये टैकीकार्डिया और टैकीपनिया और ट्रेमर्स दैट इज मोर रिलेटेड टू अस एंड आपने जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है, ना के एमिनोरिया और बहुत सारे फीचर्स आप लोग बताना शुरू कर देते हैं जो कि एनेस्थीसिया से उनकी इतनी रेलेवेंस, इवन आई के फीचर्स हमारे से इतने ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. With due respect to a few examiners which can catch you in only specifically in long case, इसके अलावा हमारे से anesthesia की practice में plus table wave में plus MCPS वालों को लोगों को उस पर अपना सर खपाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. ठीक है, ये उतने prime importance नहीं है. अच्छा यहाँ अब मेरा question मैंने ये पूछा है कि how to treat hyperthyroid. जी बताएं अतीक. How to treat hyperthyroidism? सर हम इसको वी कैन ट्रीट विद प्रोफाइल थायरोसिन. नहीं नहीं एक मिनट, आपने गोल्स एक आपने बता दिया है, एक आपने देखें दो, इसमें दो मेन फीचर्स होते हैं इसके अंदर ना ट्रीटमेंट के. एक आपने थायराइड, एक आपने आपने थायराइड की जो T3 टू T4 टू T3 कन्वर्जन को कम करना है और इसके अलावा आपने स्टेबलाइजेशन भी करनी है जो T3 T4 कन्वर्जन जो कम करनी है ना सर, वो आपका प्रोफाइल थायरोसिन है, मिथामेज़ोल है और सर आपका कर्बिमेज़ोल है और इसके अलावा सर ये सिंथेसिस भी कम करते होते हैं और जो आपका जो बीटा ब्लॉकर हैं सर, बीटा ब्लॉकर जो है आपके सर एक सेकंड मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. देखिए अगर आपसे कोई पूछे ना थायराइड को आपने कैसे मैनेज करना है या आपको कौन सी होती है तो कोई आपने इस तरह बताएं कि देर आर टू मेनली टू कैटेगरीज जो एक जो है वो उसकी सिंथेसिस को रोकते हैं और एक उसकी पेरिफेरल कन्वर्शन या उसके जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं उनको रोकते हैं. ठीक है, मेनली बेसिकली ये दो ही कैटेगरीज होती हैं. सर ये भी हो सकते हैं कि यू थायराइड पेशेंट सर रिलीज को भी रोकते हैं ना. जी जी रिलीज को भी रोकते हैं. प्लीज एक मिनट के लिए वेट कीजिए, सबको मौका मिलेगा. जी आगे चले, अब आप मुझे बताएं कि कार्बिमाज़ोल का मैकेनिज्म अगर हम इसको सर अगर थायराइड को हम तकसीम करें ना सर वो वी विल डू इट इन फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल अगर हम क्लासीफाई करें तो फार्माकोलॉजिकल हमारे पास हैं आप जो प्रोफाइल थायरोसिल मिथामेज़ोल कार्बिमेज़ोल है और आपका सर वो है बीटा थेरेपी है, बीटा जो है ना ब्लॉकर जो है वो दे सकते हैं. अच्छा एक सेकंड मुझे ये बताएं कि पहले अभी हम तरतीब से चलें कार्बिमाज़ोल और मेथिमाज़ोल में क्या फ़र्क होता है. सर ये बोथ आर सेम फ्रॉम सेम उसे है और मतलब वी कैन गिव बोथ. नहीं दिस इज नॉट द आंसर. कार्बिमाज़ोल इज अ प्रो ड्रग, इट इज कन्वर्टेड इनटू मेथिमाज़ोल व्हिच इज एक्टिव कंपोनेंट एंड दिस कन्वर्शन अकर इन लिवर. ठीक है, और जो फर्स्ट ये मेथिमाज़ोल है सर इतना मुझे पता है कि इट इज फॉर फास्टर रिस्पांस तो वो एक्टिव फॉर्म है ना, एक्टिव कंपोनेंट है. हाँ, अच्छा उसके बाद ये कितने इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं सर? इसके भी सर वही ग्रैनुलोसाइटोसिस और बोन मोरो सप्रेशन वगैरह ये हो सकते हैं सर. फीटल हाइपोथायरायडिज्म कर सकते हैं. ठीक है, एक ग्रैनुलोसाइटोस हो गया, पैनसाइटोपेनिया हो गया. ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आ जाए प्रोपाइल थायरोसिल.
तो प्रोपाइल थायुरसिल किस पे एक्ट करता है? सर ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को काम करता है, और इसके अलावा एक और इसका फंक्शन ये है कि सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन को भी ये इनहिबिट करता है, ये दोनों चीजें करता है सर। हाँ मतलब बेसिकली वो आयोडिनेशन को रोकता है, आयोडिनेशन को भी रोकता है और कन्वर्जन को भी रोकता है सर। ठीक है, अच्छा तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स है? इसके सर हेपेटिक हैं सर, रीनल हैं और हीमेटोलॉजिकल लाइक एग्रोनोसाइटोसिस वगैरह, और यही है सर। तो तीन चार और प्रेगनेंसी में अगर देना पड़ेगा तो प्रोपाइल थायरोसिन देते हैं, राइट? अब फिर से थायरोसिन देते हैं सर, और जो बाकी जो सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो वी कैन गिव मेटामिजोल एज वेल। अच्छा, और जो क्या कंबाइन भी दिया जाता है? सर कंबाइन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर जो अगर फॉर एग्जांपल इफ अगर इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, अनकंट्रोलेबल है, देन वी कैन यूज मेटामिजोल एज वेल। ठीक है, मुझे बताएं कि ल्यूगल आयोडीन का क्या रोल होता है? ल्यूगल आयोडीन जो है ना सर, इसका ये रोल है कि सर ये कन्वर्ट करते हैं थायराइड सेल फंक्शन को ना सर सॉरी ये जो ना ये देखें इसको कहा जाता है कि ये वैस्कुलैरिटी को ये डैमेज कर देता है, ये थायराइड टिश्यू को डैमेज कर देता है, वैस्कुलैरिटी को कम करता है सर। हाँ जी ठीक है, तो अब अगले प्रोफाइल थायरोसिल दिए होते हैं तो सर आखिर में हमें ये दे के देना होता है ताकि इसकी वैस्कुलैरिटी कम हो जाए और ये और इसकी इफेक्ट जो है ना 14 डेज के बाद जो है ना इसके इफेक्ट जो है ना वो नहीं आते होते। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि जो पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं उनके सर कॉम्बिनेशन का पूछना था, कॉम्बिनेशन में देते हैं नहीं देते? यार ये मुझे नहीं पता भाई, नहीं देते सर। दिस मेरा ख्याल से नहीं देते, लेकिन बेसिकली ये हमारी डोमेन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आप उनसे कह देंगे रेफर टू फिजिशियन। अच्छा खुरम एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये एक इस वक्त मेरा अतीक के ऊपर ज्यादा बम्बार्डमेंट करने का मकसद एक ये भी है कि ये MCPS में नहीं पूछे जाएंगी ये चीजें। MCPS के अंदर वो आपसे दो तरह से क्वेश्चन आएगा, हाइपरथायरॉइडिज्म फॉर एनी इमरजेंसी सर्जरी या हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए थायरॉइडेक्टमी हो रही है। ठीक है, पेशेंट विद हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म फॉर एनी इमरजेंसी सर्जरी या पेशेंट विद हाइपो हाइपरथायरॉइडिज्म फॉर थायरॉइडेक्टमी। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीजें मैंने जानबूझ के मैं अतीक से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें अतीक के लिए बहुत मैंडेटरी हैं, MCPS वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का अगर क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा के लिए अपनी मस्जिद से बाहर ना निकले। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा सर ये मैं इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में कि ये हाइपोथायरॉइडिज्म भी कर देता है, इस हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ जी, और ये प्रेग्नेंट खवातीन में नहीं देते। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर अच्छा उसके बाद जो है अगर हमें देना पड़े बच्चों और प्रेग्नेंट में तो वी विल यूज ल्यूगल आयोडीन जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी बात सुने, इसका आंसर आपके पास ये है कि दिस इज प्राइमरीली नॉट द डोमेन ऑफ एनेस्थेटिस्ट, वी विल बी डिस्कसिंग विद द फिजिशियन एंड अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अगर आपको ये जुमला बोलना आ गया तो आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आप अपनी साइंस लड़ाने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कहना कि दे सकते हैं या ये भी कहना कि नहीं दे सकते, रिस्क वर्सेस बेनिफिट पे है। इस किस्म की कोई भी चीज के जिसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं उसके लिए आप ये जुमला बोल दें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई फेल नहीं करेगा इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि ये माइनर चीजें होती हैं। ठीक है, मेन बात आपसे उन्होंने जितनी मैंने आपको बता दी है दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, अच्छा बीटा ब्लॉकर कौन से देंगे इसमें? सर बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं, प्रोपेनॉल भी दे सकते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर एस्थेमेटिक है देन वी विल गिव एस्मिलॉल या मेटोप्रोलोल। नहीं, एस्मिलॉल देने का क्या फायदा होगा, एस्मिलॉल तो सिलेक्टिव है सर। अगर एस्मिलॉल अगर एस्मिलॉल इज शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है शॉर्ट एक्टिंग है, अगर इसका ब्लड प्रेशर हाई है और इंट्रा ऑपरेटिव है तो देन वी कैन यूज इट। नहीं नहीं, वो तो फिर एक शॉर्ट होगा ना, तो आप ये नॉन सिलेक्टिव में ही कोई और सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है, नॉन सिलेक्टिव, या क्योंकि नॉन बेसिकली देखो ये बीटा ब्लॉकर आपको नॉन सिलेक्टिव ही देना पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि जो इसके पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं वो बीटा वन मीडिएटेड है, ठीक है, सॉरी बीटा वन और बीटा टू दोनों से मीडिएटेड है, तो वो अकेले देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अगर आपका वो होगा तो आप उसमें रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, फिर आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है, यू यू कैन गो फॉर फॉर अदर थिंग, आप कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट को तो मैनेज करने के लिए कई और मेडिसिन दे सकते हैं, तो आप ये बेसिकली यहाँ तक आप खामोशी इख्तियार करें, एस्मोलॉल वगैरह क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो नहीं दिया जा सकता ना, ये तो हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को आपने पहले चार हफ्तों पहले दवाइयां दी थी, अब वो दोबारा आपके पास पेशेंट आ गया है, तो आप किस तरह उसको ये कहेंगे कि भाई दिस पेशेंट इज सेट फिट फॉर सर्जरी? इसका सर हम एक ही वो कराएंगे, एक तो सर हम इसका चेक करेंगे हार्ट रेट, और दूसरा हम इसके चेक करेंगे TSH चेक करेंगे, अगर TSH इसका नॉर्मल हुआ है इसका मतलब है कि ये कंप्लायंट है टुवर्ड्स, और ECG में एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, हाँ सर, रेस्टिंग पल्स ECG और ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाएं हैंड ट्रेमर्स सर, वो भी कंट्रोल होना चाहिए यार, हैंड ट्रेमर्स, देखिए मेरी बात सुने आप, माइनर चीजों के पीछे मैं आप लोगों को खींच खींच के मोटी मोटी चीजों पे ला रहा हूँ, आप फिर घूम फिर के माइनर चीजों के पर चले जाएंगे, हैंड ट्रेमर्स अगर हो रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स वो इट विल बी टुगेदर विद इट, लेकिन वो चीजें हैंड ट्रेमर का एनेस्थीसिया से क्या रेलेवेंस है मुझे ये बता दें, ये भी यू थायराइड के जो साइन है ना, देखिए साइन तो बहुत सारे, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखें मेरी बात सुने, टेबल वाइव में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन उस पर रखें, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो फेलियर पॉइंट, अगर आपको टैकीकार्डिया ECG और आपने T3, T4, TSH के बारे में बता दिया तो आपको कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है, आप लोगों को वो याद रह जाएगा ट्रेमर, आप लोगों को ये भूल जाएगा, तो मैं आप लोगों को वो जो भूलने वाली चीजों से मैं बचाना चाह रहा हूँ, बस ये आपको नहीं भूलेगा, ये अगर आप मेरे सामने नहीं भी बोलेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बचपन से लेके अब तक हमें सिर्फ यही ट्रेमर ही बताया जा रहा है, तो कोई भी होशो हवास में बंदा ना ट्रेमर तो भूलेगा ही नहीं, इसलिए मैं उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, हाइपोथायराइड में यही पेशेंट है, मास फीचर सेम थे, अब आप आ जाए हाइपोथायराइडिज्म में, अतीक एक मिनट के लिए ब्रेक ले लें, कोई और वॉलंटियर हाइपोथायराइडिज्म कौन बताना चाहेगा? जी बता दो आप, नुसरत आप बता दो सर, हाइपोथायरॉइडिज्म जो है तो ये सर इसके स्टार्ट से बताऊं सर, ये हाशिमोटो एंडोकार्डाइटिस उसकी थायरॉइडिटिस से जो है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, इसके अलावा सर्जिकल ये रिमूव करने से हो सकता है हाइपोथायरॉइडिज्म, जो एंटी थायरॉइड ड्रग्स ले रहे होते हैं उससे भी हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है, इससे एसोसिएटेड फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें सर जो है तो एयरवे डिफिकल्ट एयरवे हो सकता है, इनमें डिक्रीज कार्डिक आउटपुट डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इनमें पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन हमें मिल सकता है, और ये पेशेंट जो है तो इनमें वेट गेन होता है, इनमें कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, और ECG में क्या मिलेगा सर? सर ECG में इनमें ये सर CCF में जाते हैं, और सर उसमें हमें मिल सकता है, इनमें भी सर एरिथमियास मिलते हैं हमें जी, आपको असल फीचर नहीं बता रही है, असल फीचर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, बाकी जब भी फेलियर है तो आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलें, वो एक कॉमन चीज है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आपने टेस्ट करवाया, इसके अंदर कौन सा टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होगा सर? इनमें जो है तो TSH लेवल जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट TSH लेवल होगा, ठीक है। हाँ। बाकी फीचर्स आपको मास इफेक्ट वही कॉमन चीजें, इसके अंदर दवाइयां कौन सी देते हैं इसमें? दवाई इनमें सर थायरोक्सिन देते हैं हम, थायरोक्सिन देते हैं जी। अच्छा, उसके बाद थायरोक्सिन कितनी डोज में होती है यूजुअली सर? 50 to 100 माइक्रोग्राम के हिसाब से होती है, और लेकिन रूल आउट करना होता है, सुबह लेते हैं खाली पेट,
अच्छा एक मिनट देखें प्लीज, जिससे सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज वो बोले, प्लीज वो बोले। सर अगर हम लोग इसका ये डोज एक अगर स्किप कर भी दें तो कह रहे हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। नुसरत प्लीज खामोश, आप फिर वही वाली बात, मैं कह रहा हूँ कि नई दवाई स्किप करनी मतलब नहीं करनी, बात छोड़ दो आप इस चीज को। आपने ड्रग लेवल पहले करवाने, उसके फीचर्स आपने देखने, आपने ड्रग स्किप नहीं करवानी। आप क्यों ये बात बताना चाह रही हो, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी? सर अगर वो सपोज पूछे कि जी आप जो है तो फ्री ऑफ, नुसरत नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सुन लो बात, आपने दवाई नहीं बंद करनी मतलब नहीं बंद करनी, ठीक है? अगर वो पेशेंट स्टेबल चल रहा है और उसको आपने उसकी दवाई स्किप नहीं करनी, सिवाय एक ओरल हाइपोग्लाइसिमिक्स के और कुछ एंटी हाइपरटेंसिव के कॉम्बिनेशंस, स्पेशली एसी इनहिबिटर्स अलोंग विद अदर वैसोडायलेटर्स, उनके अलावा कोई दवाई नहीं बंद करनी होती, कोई दवाई बंद नहीं करनी होती। ये ज़हन में जनरल रूल याद रखें, ठीक है? अच्छा उसके बाद आ गया, अब मैं अब घूम फिर के हम दूसरी तरफ से पहुंच रहे हैं, अब आ गया हमारा एयरवे। How will you evaluate a patient? कुछ बातें तो हम पहले कर चुके हैं, कुछ मजीद बातें करके हम एयरवे की मैनेजमेंट पे आ जाएंगे कि एक पेशेंट है जिसको लार्ज लार्ज थायराइड गोइटर है, उसको जो है हमने एनेस्थेटाइज करना है, तो हमारी क्या चॉइसेस है ये बताएगा खुरम जी। अब कोई और ना बोले जी खुरम। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है जिसको लार्ज गोइटर है, ठीक है? एक लम्हे के लिए भूल जाए, आप चले बता दीजिएगा कि हाइपर में हो, तो ये एक लम्हे के लिए भूल जाए कि हाइपर है या हाइपो है। एक पेशेंट को लार्ज गाइटर है तो आपने कैसे उसको एनेस्थेटाइज करना होगा, उसकी थायरॉइडेक्टमी होनी है, ठीक है? जी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम अगर ये एक थायराइड नोड्यूल है या फिर ये रिमूवल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रेट्रोस्टर्नल गाइटर है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी हमारी उसकी पेशेंट की तरफ अप्रोच होगी। क्या क्या सपोज टेस्ट क्या क्या करेंगे? कुछ टेस्ट हमने कंप्रेशन वाले बात कर ली, उनको छोड़ दें, उनके अलावा कोई बात करेंगे इसमें? सर जो इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने एक तो फुल ब्लड काउंट, यूरिनरी एग्जामिनेशन। नहीं नहीं नहीं, देखें खुरम आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। सिर्फ इस वक्त एयरवे से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आप एयरवे से रिलेटेड बताएं कि एयरवे को हम कैसे एग्जामिन करेंगे, कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इन पेशेंट के अंदर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है या नहीं है या वट एवर, और कैसे आप उसको इंड्यूस कैसे करेंगे? ठीक है सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर वो नेक मोटिलिटी है। ये प्लीज आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है, जरा ट्राई टू कंट्रोल इफ पॉसिबल। जी जी ये इनको अंदर ले जाए। अच्छा एक तो सर हम नेक की मूवमेंट को कंट्रोल देखेंगे, चेक करेंगे रेंज ऑफ मोशन। वेरी गुड, एक हो गई बात। दूसरा इसके अलावा सर एक वो जो आपने साइन बताया था जिसमें वीनस एनग्रोचमेंट हो जाती है वो हैंड हैंड लिफ्ट करने से, पेम्बर्टन साइन, ठीक है? पेम्बर्टन साइन, आप इसका बहुत सिंपल आंसर है कि जो एयरवे की जो रूटीन के हम टेस्ट करते हैं वो आप सारे नाम ले लेना, बालम पट्टी करेंगे, माउथ ओपनिंग देखेंगे, नेक सर्कमफेरेंस देखेंगे, उसके बाद नेक की मोबिलिटी देखेंगे, थायरोमेंटल थायरोस्टर्नल, ये हम हर पेशेंट के अंदर ये नहीं करते, तो यही वो सारी चीजें। द फीचर्स फॉर स्पेसिफिकली फास्ट वेंटिलेशन, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन एंड डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी, तीनों चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? तो मास वेंटिलेशन से रिलेटेड ब्रोंकोस्कोपी जी सर, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी तो पहले नहीं करेंगे ना आप, नेज एंडोस्कोपी से आपको पता लग जाएगा ना कि क्या ट्रेकिया डेविएटेड है, क्या वोकल कॉर्ड्स पहले काम कर रहे हैं। आपने उसको ये कहेंगे कि हम क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे, और क्लिनिकली कोरिलेट करके हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई कंप्रेशन के साइंस हैं, तो ये एक चीज होगी। जो अगर कंप्रेशन के साइन वो आपने देख लिए सीटी स्कैन से, देख लिए एक्सरे से, देख लिए लेटरल कंप्रेशन एक्सरे से, देख लिया हमने लेटरल नेक के, और प्लस हमने जो एयरवे के हमने उसकी एडिक्वेट माउथ ओपनिंग देख ली, हमने मालम पट्टी देख ली हमने, और इन एडिशन टू दैट अगर थायराइड का बहुत बड़ा गोइटर है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी इसके अंदर हो सकती है लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो आप एक्स कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी, तो आपके लिए रेस्क्यू के लिए आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट आप अपने आप को प्रैक्टिकली भूल जाएं, एग्जाम में आप भूल दें आंख बंद करके कि भाई इट इज बेटर टू डू अवेक फाइबर ऑप्टिक, अगर आपके पास प्रॉब्लम फ्लो वॉल्यूम लूज भी आ जाएगा। अगर
सर अगर वो और करता रहे तो फ्लो वॉल्यूम लूप बोल सकते हैं? बिल्कुल, फ्लो वॉल्यूम लूप बताना है आपने, ठीक है, कंप्रेशन को सारी चीजों के साथ, ये मैं उस वक्त मिस कर गया हूँ, सॉरी, ठीक है, तो फ्लो वॉल्यूम लूप भी आपने बता देना है। उसके बाद आपने ये अवेक फाइबर ऑप्टिक के बारे में, क्योंकि यहाँ हमारा डोमेन नहीं है, ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, अवेक फाइबर ऑप्टिक के रेफरेंस सर इसमें कंसल्टेशन, ENT की कंसल्टेशन, देखिए मेरी बात सुनिए, कंसल्टेशन फॉर व्हाट, ये आपने बताना है। वहां पर आप ये नहीं बोलेंगे मैं ENT की कंसल्टेशन कराऊंगा, नहीं, वहां पे आप करेंगे कि ये नेज एंडोस्कोपी टू रूल आउट दिस थिंग, ठीक है, ENT सर्जन शुड बी ऑन बोर्ड इन केस पेशेंट कोलैप्स, पेशेंट एयरवे कोलैप्स, रिजिड ब्रोंकोस्कोप टू वेंटिलेट द पेशेंट। इवन अगर आपका एनलार्ज थायराइड था, आपने उसको इंड्यूस कर दिया, आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं किया, आपने उसको इंड्यूस कर दिया और अब उससे वेंटिलेट नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? वेंटिलेट नहीं हो रहा, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास रेस्क्यू के? आपके पास ऑप्शन है रिवर्स सेलिक मैनूवर, आप वो थायराइड की स्वेलिंग को लिफ्ट करेंगे, एक चीज हो गई। आप लेटरल में करेंगे, लेटरल में जब करेंगे तो हो सकता है उसकी कंप्रेशन थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, और तीसरी ऑप्शन आपके पास होगी ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर माइंड रेट केस के अंदर ट्रिगोस्मी करनी भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि लैंडमार्क्स ऑब्स्क्योर होंगे, तो इसलिए दैट्स व्हाई एग्जाम में प्रैक्टिकली स्पीकिंग छोड़ दें, एग्जाम के अंदर आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक बोल के अपनी जान छुड़ाएं, ठीक है। अवेक फाइबर ऑप्टिक के लिए आपको एयरवे का एनल्जीजिया, एयरवे का एनेस्थीजिया कैसे होता है ये बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, आई विल नॉट रिपीट। एयरवे का एनेस्थीजिया सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, इंडिविजुअल ब्लॉक स्प्रे एज यू गो, कैलकुलेशन ऑफ सेफ डोज, स्प्रे के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स, समवन हैज मिस्ड यू यू कैन आस्क मी पर्सनली, ठीक है। ये अवेक फाइबर ऑप्टिक का हो गया। दूसरी टेक्निक आप क्या बता सकते हैं, अगर आप समझते हैं जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा थायराइड कंप्रेशन का साइन नहीं है, कंप्रेशन का साइन नहीं है, बहुत बड़ी स्वेलिंग नहीं है, आपने नेज एंडोस्कोपी की है तो उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? सर जिशान एक बात कर सकता हूँ सर, आपने बड़ी जबरदस्त बताया जी सर, इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपसे वो एग्जामिनर पूछता है कि मतलब आपके पास आप अकेले हो और पेशेंट जो है ना उसका इंट्यूबेशन करना लाजमी है, तो देन हाउ विल यू प्रोसीड, और आप मतलब अपने पेशेंट की जान बचानी है और आपके पास अवेक फाइबर ऑप्टिक भी नहीं है, तो वट मैन्यूवर्स यू विल यू फॉलो, तो फिर वट आंसर? Inhalation induction is the answer, sir. Inhalation induction बताएंगे ना, inhalational induction with preservation of spontaneous ventilation, और उसके बाद आप जो है वो check laryngoscopy करेंगे, और check laryngoscopy करके अगर आपको visualization of cords है तो आप उसको आप उसको आप propofol दे दें, आप उसके बाद उसका airway को थोड़ा सा numb कर दें, या आप muscle relaxant दे दें, आप succinate meconium कह दें, ठीक है, अगर आपके चीजें आपके हाथ में होंगी ना उस टाइम पे। आपने लेरिंगोस्कोपी करने से पहले आपने नहीं बोलना ये, ठीक है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो कोई भी नहीं करता ना भाई, बड़े से बड़ा थायराइड के अंदर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हम यही काम करते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में यही जवाब देना है। मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की, इसलिए मैं तो नहीं कमेंट कर सकता, जाहिर लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही हो है, ठीक है। और एक और मैं आपको एक और भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ बात, एक सवाल भी है और एक इसका जवाब कोई दे, और फिर मैं मुझे बताएं कि जो इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है सर्जिकल रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से, तो थायराइड सर्जरी इज विच विच रिस्क, माइल्ड रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क? सर इंटरनेशनल तो मॉडरेट है, लेकिन हमारे तो मॉडरेट इंटरमीडिएट रिस्क है सर, हाई रिस्क है। आप सब ईएनटी सर्जरीज, हेड एंड नेक सर्जरीज इंटरमीडिएट रिस्क सर। आप सर ये आपने बताया था कि इंटरमीडिएट है, लेकिन पाकिस्तान में तो हाई रिस्क है। एक मिनट के लिए माइल्ड रिस्क, आप खामोश हो जाए, लो रिस्क है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजीज यू, माइल्ड रिस्क, थायराइड सर्जरी इज कंसीडर्ड टू हैवी इन लो रिस्क, ठीक है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा थायराइड है कि दैट यू कैन कंसीडर इट इन हेड एंड नेक सर्जरी, ठीक है, तो हेड एंड नेक सर्जरी इट इज इन लो इंटरमीडिएट रिस्क। ये पाकिस्तान वाले थायराइड कहीं दुनिया में नहीं होते, ये अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, तो गोरो ने के हिसाब क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने अपना बताया, तो आप ये बता सकते हैं उनको बता के कर दें कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सर्जिकल रिस्क क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से थायराइड सर्जरी is listed as low risk surgery, but in our demographic it should not be considered as a low risk surgery because of this, theek hai, to consider it at least intermediate risk surgery, theek hai, ye zehen mein rakhein baat, ye yahan pe aa gayi hai baat, to maine aapko bata di,
ठीक है, उसके बाद आपने इनहेलेशन रिडक्शन वाली बात कर दी, चेक लेरिंगोस्कोपी की बात कर दी। अच्छा, यहाँ से अब आप चले जाएं जो थायराइड हार्मोन के क्राइसिस कौन कौन से होते हैं। एक थायराइड हार्मोन का क्राइसिस होता है थायराइड क्राइसिस, और एक दूसरा जो हाइपोथायरायडिज्म में होता है उसको क्या कहते हैं, आपको लगेगा कि एक पेशेंट था जो क्या जो अपेरेंटली जितने साइंस हो भी तो क्या फिर भी थायराइड क्राइसिस हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, ज्यादा रिस्क है। ठीक है, हाउ व्हाट विल बी द साइंस, क्या होगा सर? हाइपरटेंशन होगा, हाइपर पायरेक्सिया होगा, और टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया आपने सबसे पहले हाइपरटेंशन, देखिए आपने सबसे पहले हाइपरटेंशन बोला है, क्या सबसे पहला फीचर हाइपरटेंशन होगा थायराइड क्राइसिस में? सर टैकीकार्डिया और फीवर। टैकीकार्डिया, हाइपर 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 ये क्या नाम है इसका, टैकीकार्डिया, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर कार्बिया, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होगी ना? जी सर। ठीक है, उसके बाद क्या बाकी सारे फीचर्स आ जाएंगे, क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू इमीडिएटली सर? एयर ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। जी अतीक, क्योंकि ये एक मिनट सर, इसमें चार से पांच छह फीचर बड़े इंपॉर्टेंट है। सीएनएस के फीचर्स होंगे वो आपका पेशेंट एजिटेटेड स्टेट में होगा, डिलीरियम कंफ्यूजन वाले स्टेट में होगा, और जीए में हो रहा है ना, देखें जीए में हो रहा है, जीए में कैसे होगा? तो सर आपके सिर्फ जो ना अगर जीएमए केस इंट्रा ऑपरेटिव हो रहा है तो आपका सर हाइपरपैरेक्सिया मोर देन 40 सेंटीग्रेड होगा आपका, और इसके अलावा पेशेंट जो है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन टैकीकार्डिया के साथ आएगा, और पेशेंट स्वेटिंग करेगा, बस यही है। अच्छा, ये जो आपने फीचर्स बताए हैं ना, स्वेटिंग इन एनेस्थीसिया के अंदर मास्क हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू अ नंबर ऑफ फीचर्स, और एरिथमियाज होंगे, और बेसिकली टैकीकार्डिया, हाइपरपैरेक्सिया और हाइपरकार्डिया, इनके अलावा बताइए कौन से प्रोमिनेंट फीचर क्या हो सकता है? वैसे तो एमआई भी हो सकता है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली अर्ली फीचर्स यही होंगे। ठीक है, तो ये बता के वो आप जो बता रहे हैं वो डिलीरियम और वो सारी चीजें हो सकती हैं अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव भी है। ठीक है, तो ये अंडर इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली व्हाट विल यू डू? Approach should be airway breathing circulation. सर ABC approach करेंगे, उसके बाद क्योंकि आप diagnose कर लेंगे कि अगर thyroid storm है, सबसे पहले hyperthermia के लिए आप उसका fever subside करने के लिए NSAIDs and cooling maneuvers देंगे, NG से भी fluid देंगे, और urinary catheter के through भी fluids देंगे, sponging करेंगे, और इसके अलावा propranolol देंगे, और अगर नीड पड़ी तो एंटी थायराइड मेडिकेशंस प्रोपाइल थायोरिसिल को भी कंसीडर करेंगे, वो शुरू कर देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, स्टीरॉइड देंगे, स्टीरॉइड हाइड्रोकॉर्टिकॉइड, बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रोपैनोलोल देंगे, स्टीरॉइड देंगे, एनजी के साथ इरिगेशन करेंगे, फोलीज के साथ इरिगेशन करेंगे, बॉडी के कूलिंग मैनूवर्स करेंगे, ठीक है, एडिक्वेट हाइड्रेशन करेंगे, पेशेंट कैन गो इन आइसोडोसिस, पेशेंट कैन गो इन रेब्डोमायलोसिस, पेशेंट कैन गो इन एआरएफ जस्ट लाइक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो सारे हाइपर मेटाबॉलिक हैं, और अगर सारी चीजें किसी भी तरह नहीं हो रही तो डेंट्रोलिन में आल्सो बी यूज्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और उसके बाद आपने एनजी के जरिए सर मैं थोड़ा सा इसको कंपाइल करके बता दूं। जी अच्छा सर, एक तो सबसे पहले आपने ना एनएसएड और एस्पिरिन को अवॉइड करना है, ठीक है, ये डिस्प्लेस करते हैं थायराइड हार्मोन फ्रॉम सीरम बाइंडिंग साइट से ना। अच्छा, इसमें सर कॉल फॉर द असिस्टेंट्स एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम एबीसी, वही सारी कहानी, ऑक्सीजन बढ़ा देंगे सर पेशेंट को, और सर वो कूलिंग मैन्यूवर्स में चार स्टेप्स हैं, वो आईवी फ्लूड थ्रू आईवी फ्लूड इरिगेशन करेंगे, और सर आईवी पेरास्टामोल देंगे, ब्लैंकेट्स और कूलिंग ब्लैंकेट्स लगाएंगे, और टेपेट्स स्पंजिंग करेंगे, दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो ना हम रिहाइड्रेशन विद सलाइन एंड ग्लूकोज करेंगे। चौथा पॉइंट जो ना हम वी विल मेंटेन हीमोडायनेमिक्स बाय गिविंग एस्मोलॉल by 2.25 mg per kg followed by 50 to 100 microgram per kg यार एस्मोलॉल देंगे या प्रोपैनोलॉल देंगे? देखें आप एस्मोलॉल बोल रहे हैं, एस्मोलॉल इज नॉट फॉर, नहीं एस्मोलॉल नहीं है, प्रोपैनोलॉल है, ठीक है, क्योंकि प्रोपैनोलॉल जो है वो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स पे ज्यादा होती है, एस्मोलॉल इज मेनली कार्डियो सिलेक्टिव, इट इज शॉर्ट एक्टिंग, इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस, ठीक है,
और इसके अलावा फिनाइलएफ्रीन फॉर द शॉक, अगर पेशेंट शॉक में है तो दे सकते हैं। और ये अभी सर जो जो डेफिनेट कन्वर्जन है फ्रॉम, इसमें हम देंगे प्रोपाइल थायरोसिल इन लोडिंग डोज वी एनजी ट्यूब फॉलोड बाय 200 टू 300 क्यूडीएस सिक्स अवरली स्टीरॉयड देंगे सर 200 एमजी आईवी क्यूडीएस टू ट्रीट एडेनिन इंसफिशिएंसी और कन्वर्जन को कम करने के लिए। और उसकी और इसको हम ये दे दिए एक घंटे के बाद सर, ये इसके आफ्टर वन आवर आफ्टर जो है ना जो प्रोपाइल थायरोसिल हम आयोडीन लिगुलर आयोडीन दे सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं या सोडियम आयोडाइड दे सकते हैं, ये सब का एक ही वो डोज है 5 to 10 ड्रॉप्स पर क्यूडीएस। इसके अलावा हम कर्बिमेजोल भी दे सकते हैं रेक्टली। और देखें अच्छा मैं अतीक, आपने बहुत डिटेल से बता दिया लेकिन मैं आपको एक दो वार्निंग साइंस बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल की बातें कई दफा फंसा सकती हैं, ठीक है सर। इरेक्टली मैंने इसके अलावा ये देखें क्योंकि कहीं किसी एक किताब में कहीं कोई चीज आपने पढ़ी है ना, कोशिश करें देखें वहां पर आपने पास होना है, वहां पे अगर आप फंस गए और आपको उस चीज को संभाल ना सके तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने यानी कि ये समझ लेंगे ये बातें जब बोले तो आप बैकअप आपके पास मेंटली प्रिपेयर होंगे, आप पे बाउंसर आ सकता है, तो अगर आप बाउंसर के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप इवन, मैं आपको मुझे एक बात बताएं, आपने कभी लुगल आयोडीन यूज की? लुगल आयोडीन यूज नहीं की लेकिन सर बुक्स में तो है ना सर। नहीं नहीं बुक्स में, मेरी बात समझने की कोशिश करें, लुगल आयोडीन मैंने आज तक मुझे पता ही नहीं है लुगल आयोडीन है क्या भला, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को रेडी रखें, आप एग्जामिनर के माइंड रीड करें, ठीक है। अगर वो आप अगर आप देखो बहुत कुछ बातें होती है तरतीब होती है, या आपने अब एक घंटे वाली बात की बातें, चांसेस बहुत कम है, टेबल वाइवे में भी बहुत कम है कि ये रेक्टल तक बात आएगी। आपने ये कहना है कि ओरल शुरू कर देंगे, डोज भी जब तक वो पूछे ना ना बताए ना खामखा, क्यों आप अपने आप को फंसाने की, आर यू श्योर अबाउट द डोज, क्यों फंसा रहे हैं अपने आप को मुश्किल में। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता होना चाहिए, लेकिन इनिशियली ना बोलें लोडिंग डोज, क्योंकि मुझे बताएं कि इनका कोई रोल है थायराइड क्राइसिस के मैनेजमेंट में, इनका कोई रोल है? इनका कोई रोल नहीं है, ये आप स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज बट इट विल टेक आवर्स टू डेज टू वीक्स फॉर इट्स इफेक्ट, तो ये दिस इज नॉट द प्राइम ट्रीटमेंट, तो यहां तक वो नहीं पहुंचेगा। मैं आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि देखिये मैं आप लोगों को ऐसी किसी मुश्किल में वहां नहीं, आप इंप्रेस करने के चक्रों में डिप्रेस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा ये आप अपने बैकअप में रखें, आप यहां तक इतने जुमला बोलें कि ओरल एनजी डाल के वी विल स्टार्ट ओरल बट बिकॉज इट विल नॉट हैव एनी एक्यूट इफेक्ट बट वी विल स्टार्ट, दैट्स इट। यहां तक का आंसर पे मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर आपसे मजीद, इतनी सारी चीजें आगे मजीद इसके अंदर है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं होगा। अच्छा ये बात समझ आ गई। अच्छा अब नुसरत आप रेडी हो, मिक्सेडिमा को कैसे ट्रीट करेंगे, मिक्सेडिमा कैसे पता चलेगा और मिक्सेडिमा को कैसे ट्रीट करेंगे? अगर आपने अपने मरीज को, आपने तो नहीं देनी, तो आपके मरीज को मिक्सेडिमा कोमा हो गया, आपने तो सुबह कहा कि नहीं जी क्योंकि बुक में लिखा हुआ है नहीं देते तो नहीं देना, तो आपने नहीं दिया और अब उसको मिक्सेडिमा हो गया, क्या कैसे पता चलेगा आपको मिक्सेडिमा हो रहा है? सर ये पेशेंट जो है तो सर लेकिन उसका 8 days का जो है हाफ लाइफ लिखी हुई है, उस बेसिस पे वो कह रहे हैं, और मैंने सर भेजा है, मैंने उसमें भेज दिया तस्वीर जो बुक का रेफरेंस है। चले बहरहाल ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें सर इसको ट्रीटमेंट इसका सर, ये मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इसमें सर जो T3 है वो हम IV देते हैं इन्फ्यूजन के थ्रू, और इसके साथ हम ECG जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं फॉर एरिथमियास और या फिर एनी इस्कीमिक चेंजेस, उसके लिए हम जो है तो वो करते हैं। आप करेंगे क्या? मैं आपको अभी साबित कर दूं क्या है इंक्रीज सर ABC सर मैजिक टीम, एक सेकंड मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दें कि क्या इंट्रा ऑपरेटिवली बॉडी पे स्ट्रेस होता है? जी हाँ सर होता है। तो क्या इन्हें इंक्रीज उसकी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? वो बिल्कुल सर वो हो गया। और आप मुझे जरूर बता दें कि आपको जरूरत क्या पड़ी है बंद करने की, मैं फिर वहीं पे बहस मरी घूम फिर के वहीं पे आ गई। ये जो जिस किताब के आप रेफरेंस दे रही हो बताना, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है।
आपको मैं बताने की कोशिश, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने आप लोगों को कभी एमसीपीएस को अलग ट्रीट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये आपकी डोमेन नहीं है। नहीं कोई आपको ये पूछेगा भाई ज्यादा रिकमेंडेड क्या है, इट इज बेटर नॉट टू स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। You will make sure patient is taking all the pre-op medications. If it has happens, क्या होगा usually? Patient recover नहीं हो रहा होगा. Intraoperatively तो यही होगा ना, क्योंकि अगर patient को hypothyroidism के features थे, metabolism slow हो गया, patient अब उठ नहीं रहा, patient is unable to be weaned off the ventilator. This can be a feature. Patient can have hypotension, resistant hypotension. Intraoperatively तो ऐसे ही होगा ना? जी सर। ठीक है, तो आपने उसमें आप सस्पेक्ट करेंगे और आप उसमें थायरोक्सिन देंगे। ठीक है सर। सर ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जी, बाकी आप उसमें वैसोप्रेसर देने की जरूरत पड़ेगी। पोस्ट ऑपरेटिव आप इसको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है इसके अंदर, एमआईओबीसी होते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच होगी। थैंक यू। तो हां अब आप मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट है जिसको पैसिव कूलिंग होती है सर, पैसिव वार्मिंग होती है, पैसिव वार्मिंग होती है, वार्मिंग करेंगे आप इसके अंदर, पहले तो आपने अवॉइडेंस करनी है। आप मेक श्योर करेंगे कि आपने जो जो दवाइयां दी हैं आपने उनको रिवर्स कर दी है। मिक्सेडीमा कोमा आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे होगा? ये जरूरी तो नहीं है कि पेशेंट अच्छा वाला बैठा हुआ है उसको मिक्सेडीमा कोमा हो गया, वो एक अलग कहानी है। हम अव्वल तो ये कि मिक्सेडीमा कोमा आमतौर पे पूछा ही नहीं जाएगा, एमसीपीएस वालों से मैं गारंटी देता हूँ नहीं पूछा जाएगा, एमसीपीएस वालों से थायराइड क्राइसिस ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल कीजिए वहां पर, तरतीब से आपने बताना है कि वी विल मेक श्योर बिकॉज इट विल बी प्रेजेंटेड एज पेशेंट विल नॉट बी एबल टू गेटिंग अप। तो आप देखेंगे कि आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट को रिवर्स कर दिया है, आप न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर से देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या आपने ओपियोइड्स को कितना दिया था, आप ओपियोइड्स को रिवर्स करके देखेंगे। ठीक है, आप बाकी सारी चीजों को रिवर्सिबल कॉजेज देखेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तो नहीं है। ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, इन पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन सर हाइपोनेट्रीमिया नहीं, लेकिन इंट्राऑपरेटिवली तो हाइपोवेंटिलेशन आप नहीं करेंगे ना। देखिए चीजों को रट्टे जब आप याद रखें, जब आप किताबों को रट्टा सुनाएंगे तब आपकी डेंजर है सर। लेकिन अभी ये बताएं कि इंट्रा ऑपरेटिव अगर पेशेंट कोमा में गया और पेशेंट को हमने एनेस्थेसाइज भी किया, अतीक बताओ वहां कैसे पता चलेगा? आपने एक मैं अतीक आप बताओ कि थायरोक्सिन रिप्लेस कैसे करते हैं, आईवी कैसे देते हैं थायरोक्सिन? सर आईवी थायरोक्सिन देते हैं T3.2 माइक्रोग्राम पर केजी 6 सॉली देते हैं सर, और ये इफेक्ट करेगा, इसका जो इफेक्ट है वो 6 to 24 hours है। पेशेंट अगर वेंट पे है तो उसको हम आईवी दे सकते हैं, और इसका इसके अलावा एक इसके अलावा T4 भी है दे सकते हैं। 200 एनजी से नहीं दे सकते? एनजी से नहीं दे सकते? एनजी से भी दे सकते हैं सर। ठीक है, अगर इसके अलावा कंडीशन होगी तो आईवी देंगे, अगर आप फौरी तौर पे इफेक्ट चाहते हैं तो आईवी देंगे, अगर आप अगर बेसलाइन है या आपको सस्पेक्ट करें तो आप एनजी से भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा सर की जरूरत पड़ेगी, जो जो चीजें भूल गए हैं वो सर बताऊं, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, इसके अलावा जो हाइड्रोकॉर्टिसोन बता दी, कंसल्ट दी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन आईवी फ्लूइड और इनोट्रोप्स हम लाजमी देंगे, और इसके अलावा जो है ना अगर इन्फेक्शन है तो इसको ट्रीट करेंगे और ट्रीट द कॉज और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को करेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ठीक है, समझ आ गया है, हाइपो हाइपर हो गया। अब मुझे बताएं, एक पेशेंट की थायराइड सर्जरी हुई है, आपने उसको एक्सट्यूबेट कर दिया है, पोस्ट ऑपरेटिवली उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, अब ये बताएगा हरीश क्या कुछ क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके। आपने उसको एक्सट्यूबेट करके आपने उसको रिकवरी में रखा हुआ है, तो नर्स आपको फौरन लानी आई है कि डॉक्टर इमरजेंसी हो गई है, फौरी तौर पे आए, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, व्हाट विल बी योर रिस्पांस, व्हाट विल यू डू? रिकरेंट लैरिंजियल पेल्सी हो सकती है सर, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, आपसे सवाल पूछा है हरीश, व्हाट विल यू डू? आप वहां गए हैं रिकवरी में, सबसे पहले क्या करेंगे आप? वहाँ असेस करेंगे पेशेंट को सर, और सर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन देखेंगे, कॉल फॉर हेल्प प्रॉप अप ऑक्सीजन, मेक श्योर पेशेंट एयरवे इज क्लियर। आप देखेंगे कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कैसा है,
उसको हो क्या रहा था सेचुरेशन का, मैं साथ हीमोडायनेमिक कोलैप्स है, आप सारी चीजों को एवेल्युएट करेंगे ना पेशेंट को, ठीक है जी सर। और आपने मेन आप स्टार्ट क्या करेंगे, क्योंकि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो उसको हो सकता है कंप्रेस हो रहा हो, तो वहां पर आपने वो आप लोग आप मेक श्योर करेंगे कि क्या एनाल्जेसिया का सॉरी एनेस्थीसिया का इफेक्ट रिवर्स हो गया है, उसको हाइपोवेंटिलेशन किसी ओपियाइड्स की वजह से या न्यूरोमस्कुलर इनकम्प्लीट रिवर्सल तो नहीं हुआ, वो सारी चीजों को आपने रूल आउट साथ साथ करते जाना है इमीडिएटली। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे आपने उसका ड्रेसिंग उतार के देखना है कि क्या एक्सपेंडिंग हीमाटोमा तो नहीं है वहां पे, फौरी तौर पे आप सर्जिकल रेजिडेंट को कॉल कर देंगे कि भाई इमीडिएटली आ जाओ, और इन द मीन टाइम इफ ही डज नॉट अराइव यू विल ओपन इट, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप इमरजेंसी आप क्रैश इंट्यूबेशन के लिए भी अपने आप को रेडी रखेंगे, ठीक है। अच्छा सर एक चीज ऐड कर दूं। जी जी सर, ये मुझसे पूछा था, मैंने सबसे पहले यही कहा था कॉल फॉर हेल्प, तो जब भी मैंने पूछा उन्होंने छूते ही बोला उन्होंने कि जी आप किसको बुलाएंगे, तो मैं जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा और करते रहे, तो वो फिर एंड में उन्होंने कहा नहीं बेटा ईएनटी वालों को बुलाएंगे, यानी कि ईएनटी वालों को भी बुला लेंगे, सर्जन को भी बुला लेंगे। देखिए एयरवे की मैनेजमेंट के दिमाग से आप ध्यान में रखें कि अभी इस पेशेंट में आपको क्या कुछ करने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जरूरत आपको पड़ सकती है ट्रिकियोस्मी तक की, ठीक है। इसमें आपको जरूरत पड़ सकती है रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की, अगर ट्रेकियम लेके आके। अच्छा अब पहली बात ये, अब आपके क्वेश्चन पे आ जाए हरीश, जो आपने स्टार्ट कर दिया था, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस, एक तो एनेस्थीसिया जी, फिर और इफेक्ट हो सकता है। ओके आगे 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 अगले स्टेप सर, जो हेमाटोमा फॉर्मेशन जिसके आपने बताया ड्रेसिंग वगैरह और सर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की पेरेसी की वजह से ओके और थायराइड स्टॉर्म हो सकता है सर, थायराइड स्टॉर्म से कंप्रेशन ओके, और इंपॉर्टेंट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बताई आपने, ट्रेकियो मलेशिया, अभी जो बात हो रही थी ना ट्रेकियो मलेशिया, कह रहा था कि ट्रेकियो मलेशिया हो सकता है, तो ट्रेकियो मलेशिया आपने जो करना है, और ट्रेकियो मलेशिया आपने सस्पेक्ट करना है, ठीक है। ट्रेको मलेशिया को आपने प्रिवेंट करने के लिए पहले आपने एक्सट्यूबेशन से पहले लीक टेस्ट करना है, ठीक है। आपने लीक टेस्ट अगर उसका नहीं है लीक हो रही तो आपने उसको एक्सट्यूबेट नहीं करना, ठीक है, बिकॉज इफ यू विल एक्सट्यूबेट यू विल यू कैन फेस प्रॉब्लम। यही आंसर है। कहानी दोबारा सुना दे सर, ये समझ नहीं आई जी अतीक भाई। इसको जब आप थायराइड के पेशेंट जो लॉन्ग स्टैंडिंग थायराइड होगा ना, उसको एक्सट्यूबेशन से पहले आपने लीक टेस्ट करना होगा, आप उसका एयर को डिफ्लेट करके आप उसका 30 सेंटीमीटर का देखेंगे या 25 सेंटीमीटर का, उसमें देखेंगे कि लीक हो रहा है या नहीं। अगर लीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि पेशेंट का ट्रेकिया कोलैप्स हो रहा है, और इफ यू एक्सट्यूबेट द पेशेंट देन यू कैन फेस प्रॉब्लम। तो ऐसी सूरत में आपके पास दो ऑप्शन होगी कि या तो आप उसको एक्सट्यूबेट ना करें, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दें, या दूसरी आपके पास ऑप्शन ये होगी कि आप ईएनटी को कॉल कर लेंगे, आप उनके पास रिजिड ब्रोंकोस्कोप होनी चाहिए ताकि अगर पेशेंट एयरवे कोलैप्स हो जाए एंड यू इफ एनी यू आर नॉट एबल टू वेंटिलेट और यू आर नॉट एबल टू इंट्यूबेट अगेन, तो आपके पास रिजिड ब्रोंकोस्कोप का फैसिलिटी हो, ठीक है सर। इसको हम सर इसे चेक कर सकते हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिक, अगर हम उसको फाइबर ऑप्टिक इसके ट्यूब के अंदर उतार दें, ठीक है सर। ट्यूब पे तो छड़ी होती है ना सर, वो जैसे उतारते होते हैं आस्ते आस्ते वो फाइबर ऑप्टिक ऊपर आस्ते आस्ते लेते जाते हैं, और हाँ ये भी तरीका है, ये भी तरीका आप बता सकते हैं। ये एडवांस्ड आंसर है, सिंपल आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है सर। इसमें एक नेबुलाइज भी कराते हैं, ट्रेको मलेशिया फौरन ही होता है, ट्रेको मलेशिया फौरन ही होता है मेरी बहन, और क्या एक हफ्ते के बाद जस्ट आफ्टर एक्सट्यूबेशन पेशेंट का ट्रेकिया कोलैप्स कर गया है, ट्रिक मलेशिया और पार्शियल बायलेटरल कंप्लीट जो नहीं है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की जो ना तो दोनों की वजह से जो आप अगर ये आपको करें ना, तो आप इसलिए इंट्रा ऑपरेटिवली आप बोलें कि इन मॉडर्न एनेस्थीसिया इट इज बेटर टू मॉनिटर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बाय स्पेशलाइज्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब व्हिच हैज इलेक्ट्रोड, दिस इज वन थिंग, एंड दे हैव सम अदर इक्विपमेंट which can monitor the recurrent laryngeal nerve patency, number one. Number two, number three, you will avoid muscle relaxant intraoperatively after initial intubating dose. You will give alternative good analgesia and good level of anesthesia via some other technique. ठीक है, आप muscle relaxant नहीं देंगे, और हमारे यहाँ पे तो routine है कि muscle relaxant देते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे और दूसरी दवाइयाँ remifentanil है या fentanyl है या dex meditomidine अगर आप दे रहे हैं, तो आपको muscle relaxant देने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चार चार घंटे की सर्जरी, हम तो 10-10 घंटे की भी सर्जरी करवाइए, ठीक है।
ठीक है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप सर ये नेबुलाइज पूछा था मुझसे इससे ना, तो मैंने उस वक्त नहीं बताया था रेसिमिक एपिनेफ्रिन से, वो कह रहे थे नेबुलाइज भी कराएंगे। यार रेसिमिक एपिनेफ्रिन से आप नेबुलाइज बोल दें, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन एक्चुअली रेसिमिक एपिनेफ्रिन का थायराइड ट्रेको मलेशिया में कोई रोल नहीं। यहाँ पे हम ट्रेकिया की पेटेंसी की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले ही यू हैव टू चॉक आउट द पेशेंट एट रिस्क। ठीक है, तो आप जब ये पेशेंट का कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया बताएंगे, तो कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में आपने ये बातें बता देनी है जो मैं पहले मिस कर गया हूं, मैं अब आपको बता रहा हूं। इंट्यूबेशन के बाद आप ये करेंगे कि लॉन्ग स्टैंड थायराइड है और पेशेंट एट रिस्क है, उसकी कोई आपको कंप्रेशन नजर आ रही है, तो यू विल हैव दीज प्रॉब्लम्स एंड इट इज बेटर टू हैव ईएनटी एंड पोस्ट ऑपरेटिव टीम ऑन बोर्ड। आपने सर्जन के साथ डिस्कस करना है और आपने ये करके रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके आपने ट्रायल पे करना है। तो ये जो अतीक ने आपको टेक्निक बताई है कि फाइबर ऑप्टिक डाल के आप देखते जाएंगे कोलैप्स तो नहीं कर रहा, अगर कोलैप्स कर रहा है तो वापस कर दें, दैट इज वन टेक्निक। और आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है रीइंट्यूबेशन के लिए, आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है विद ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, बस इतना वहां पे आपको करके थोड़ी दिखाना है, आपको तो ये बातें बतानी है ना कि आपको पता है ये बातें। ठीक है, अच्छा तो ये हीमाटोमा हो गया, ट्रेकियोमलेशिया हो गया, इनकम्प्लीट न्यूरोमस्कुलर रिवर्सल हो गया, सिडेटिव एजेंट ओपियोइड्स, इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई चीज है जिसकी वजह से यही होगा ना, टंग फॉल कर रही होगी, हाइपोवेंटिलेट कर रहा होगा पेशेंट, या सिक्रीशंस होंगी, या उसका वोकल कॉर्ड उसका एडप्टेड हो जाएगा, यही सारी चीजें हैं ना। ये आपने इसके अंदर आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के जब आप बताते हैं तो आपने यही बताना है, आपने प्रॉप अप किया, आपने एयरवे को देखा, आपने उसकी सक्शन की, आपने मेक श्योर कि पेशेंट ब्रीदिंग एफर्ट इज ओके। ठीक है, एडिमा भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इट इज यूजुअली नॉट द कॉज। ठीक है, लेकिन बहरहाल आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब कौन सी चीज थायराइड के अंदर और बाकी इंपॉर्टेंट बात क्या रह गई? अच्छा, ये एक मिनट, ये अभी मैं आ रहा था इसकी तरफ। इंट्रा ऑपरेटिव बातों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि रिट्रोफ्रिंजियल में या रिट्रोस्टर्नल में या वैसे भी थायराइड के अंदर करते हुए आपको पता है वो पेशेंट सर्जन कहता है कि वैल्सल्वा करें। वैल्सल्वा क्यों करवाते हैं? जी वैल्सल्वा क्यों करवाते हैं? रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन को रूल आउट, नहीं रेट्रोस्टर्नल एक्सटर्नल को रूल आउट करने के लिए नहीं होता, ब्लीडिंग देखने के लिए सर। नहीं, टू चेक देयर लीक्स। नहीं, एक्चुअली बेसिकली उसमें ये देखते हैं कि कोई टीयर तो नहीं हो गया, मतलब बेसिकली अगर उसके अंदर लीक हो गए, बेसिकली ये लीक को आप चेक कर रहे हैं। अब वैसे नॉर्मली उसमें नहीं लीक हो रहा, लेकिन अगर आपने हाई एयरवे प्रेशर्स किए हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई डेफिनेटली कोई प्लूरा के अंदर लीक नहीं हुआ। ठीक है, ये है बेसिकली इसका पर्पस। ठीक है, तो इसके अलावा अवेक एक्सट्यूबेशन करनी है सर, अवेक एक्सट्यूबेशन जब करें, इनहेलेशन इंडक्शन एंड अवेक एक्सट्यूबेशन अगर फाइबर ऑप्टिक अवेलेबल ना हो तो फिर इनहेलेशन इंडक्शन सर इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, ये सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा थायराइड में और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अच्छा एक मिनट, मैंने जैनब को एक टास्क दिया था, वो अब हम एंड पे कर लेते हैं। जैनब आप इसमें सर ये भी पूछ सकते हैं? जी जी, इसमें अगर जीए नहीं है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? यार देखें, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो लोगों ने किया हुआ है थायराइड लोकल के अंदर, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखें अगर एक पेशेंट जीए के लिए फिट नहीं है ना, तो आपको कम से कम एग्जाम की डोमेन से बाहर है ये चीज, कि वो आपको कहें कि आप इसको एनेस्थीसिया दें, पेशेंट जीए के लिए फिट नहीं है तो आप उसको करें। पैसे तो ऐसे पागल सर्जन माजरत के साथ ड्यू रिस्पेक्ट मौजूद है जो करते हैं। दूसरा सर,
इंट्राऑपरेटिवली आप इसको थायरोटॉक्सिकोसिस को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता दूं सर, एक सेकंड बता दें, जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में हो, ये होता है कि आपका जो CO इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होता है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, और आपका पेशेंट रिजिड हो जाता है, इवन उसके मसल रिलैक्सेंट से भी आपका वो रिजिडिटी खत्म नहीं होती। तो रिजिडिटी प्लस एक्सपोनेंशियली एंटाइल कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ें की वजह से आपका और इसमें दोनों MH में भी और साथ थायरोटॉक्सिकोसिस दोनों में आपका CO2 वो बढ़ रहा होता है, हाइपरपैरेक्सिया हो रहा होता है, लेकिन ये कि जो वो है हाइपरकलीमिया और एंटाइल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और मिस्टर रिजिडिटी सिर्फ MH में होगा। नहीं देखें मेरी बात सुने, ये आपके इसके मैं इसी आंसर को मैं आगे यहाँ से लेके चलूंगा। यूजुअली जो है जो MH होगा यूजुअली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यूजुअली MH विल अकर एट द इंडक्शन एंड थायराइड क्राइसिस कैन अकर एट एनी टाइम। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो एक्सपोनेंशियल इन्होंने बताया ये भी चीज है, ऐसी डोसेज जब भी होगा तो हाइपरकलीमिया हो सकता है, तो ये बात आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने के लिए नहीं बताने की जरूरत। जब भी ऐसी डोसेज होगा, इसमें ऐसी डोसेज होता है या नहीं होता थी, तो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आर फ्रेंड, वेन एवर देर इज एसिडोसिस देर विल बी हाइपरकलीमिया। ठीक है, यस ग्रेविटी कैन बी डिफरेंट बट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। जो आपका जो क्वेश्चन है ना खुर्रम, वो उसके अंदर मेनली जो है ना उसके अंदर एक तो ये कि ट्रिगर एक एजेंट है, दूसरी बात ये कि अगर थायराइड का पेशेंट है तो योर फर्स्ट डिफरेंशियल विल बी थायराइड क्राइसिस। ओके, और आप उसमें आपका उसके अंदर एक यूजली एक, एक आपका वो होगा ट्रिगरिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और क्लिनिकल कोर्स सर एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेज भी होता है। यार क्रिएटिनिन काइनेज इज नॉन स्पेसिफिक, वो तो दोनों में ही होगा, वो दोनों में हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा होगा दोनों में। बल्कि सर MH में तो ज्यादा होगा, रेब्डोमायोसिस के चांसेस ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा होगा एक्सेप्टेड, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इनिशियली सर मेरे ख्याल में तो मसल रिजिडिटी देखें इनिशियल मसल रिजिडिटी मसल रिजिडिटी और ये जो मेटाबॉलिक जी बिल्कुल सही है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। थायराइड क्राइसिस यूजुअली विल बी एट पेशेंट एट रिस्क। ठीक है, यूजुअली उनके अंदर हो सकता है, साइलेंट भी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है कि एक थायराइड एनलार्ज वाटर का पेशेंट है, उसकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उसकी आपने लेप्रोटॉमी करानी है। ठीक है, नुसरत बताओ कैसे एनेस्थीसिया दोगी? एक पेशेंट है एनलार्ज थायराइड का, ठीक है, उसको उसकी हाइपरथायराइड है वो, ठीक है हाइपरथायराइड है उसको, मल्टी नोड्यूलर गोइटर है उसको, और अब उसकी आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो आप को उसको एनेस्थीसिया देना है, तो आप कैसे उसको एनेस्थीसिया दोगे? सर ये अर्जेंट सर्जरी है या सर इमरजेंट सर्जरी है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज होती है? इमरजेंट है, इमरजेंट मैडम, ये इमरजेंट सर, अर्जेंट सर्जरी है, नहीं है, इमरजेंसी हो गई सर। नहीं, आप इसमें यही बोलेंगे कि यू विल डिस्कस विद द सर्जन दैट हाउ मच टाइम यू हैव, व्हाट इज द पॉसिबल पैथोलॉजी। एक ठीक है, हो गई। यूजुअली यू विल, इट इज नॉट एमरजेंट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है यूजुअली एमरजेंट का। मैं अब देखें वो असल में ये डिस्कशन में थोड़ा आ जाएगा कि आप ये बताते हुए जरा ध्यान रखें इस चीज का। एमरजेंट और अर्जेंट एक्चुअली एक ही तरह यूज हो रहा होता है, लेकिन एमरजेंट इज द सर्जरी विच इज टू बी डन विद इन मिनट्स, लाइक फीटल डिस्ट्रेस, लाइक क्या नाम है, फायर आर्म, लाइक ऐसी कंडीशन के जिसके अंदर इमीडिएट ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने आप यू कैन नॉट डिले इवन फॉर मिनट्स, तो एमरजेंट सर्जरी शुड बी डन विद इन मिनट्स। जैसे गैंग्रीनस हर्निया हो गया है, गैंग्रीन हो गई है, दैट इज एमरजेंट। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी माइल्ड, कैन बी सब क्लिनिकल। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है ना, तो आप पेशेंट आपने सर्जन के साथ डिस्कस करना है, ये जुमला हमेशा बोलना होता है या नहीं बोलना होता? वी विल डिस्कस विद द सर्जन अबाउट, वी विल इवेलुएट द पेशेंट, वी विल डिस्कस विद द सर्जन एंड वी विल आस्क अबाउट देयर प्लान and possible suspected pathology, ठीक है? जी, इसमें आपके क्या anesthetic challenges क्या क्या हैं? क्या क्या आपने pre-operatively patient को क्या क्या prepare करनी है चीजें, क्या क्या आप expect कर सकते हैं इस patient?
जी नुसरत, पेशेंट यू थायराइड है या नहीं ये चैलेंज है, फिर डिफिकल्ट एयरवे, फिर वॉल्यूम स्टेटस जो है वो हाइपरथायराइड पेशेंट में भी वो वॉल्यूम डिप्लीटेड होते हैं और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी यही रीजन होता है। इसके अलावा इनमें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर रिस्क ऑफ थायराइड स्टॉम भी है मेरे पास, तो इसके अलावा एसोसिएटेड और कोमॉर्बिडिटीज हो सकती है, पेशेंट सेप्सिस में हो सकता है। सर ये पेशेंट सेप्सिस में हो सकता है और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है इस पेशेंट के अंदर। अब आप इसको तरतीब देके अगर बोल देती तो अच्छा नहीं था कि एक था कि पेशेंट इज एट, ये यू थायराइड की तो कहानी खत्म हो गई ना इस टाइम पे। You will, आपको मैंने जब डाटा बता दिया कि ये टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्लूटर है तो आप कहेंगे कि थायराइड क्राइसिस, पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थायराइड क्राइसिस, पेशेंट विल हैव डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, पेशेंट बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देयर विल बी डिहाइड्रेशन, देयर मे बी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस एंड अलोंग विद दैट अ पेशेंट रिलेटेड डेमोग्राफिक रिलेटेड एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, दैट्स इट। अब आपने इसके अंदर कैसे आप इसको इंट्यूबेट कैसे करेंगे इस पेशेंट को? इस पेशेंट का तो सर स्ट्रेट अवे जो है तो फाइबर ऑप्टिक जो है तो बेटा जो जी बस चॉइस इसका सर जो है तो अवेक फाइबर इसके अवेक फाइबर ऑप्टिक चॉइस है मेरे पास, ठीक है। अगर वो अवेक फाइबर ऑप्टिक वो रिफ्यूज कर देता फिर तो सर अवेक फाइबर ऑप्टिक को रिफ्यूज करेगा, खतरा हो सकता है, आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देयर इज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, देयर इज रिस्क ऑफ डिफिकल्ट एयरवे, तो आप ये आप इसमें कहेंगे कि वी विल डू, आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करके देखना है कि आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आप उसमें रिवर्स ट्रेंडलन बर्ग पोजीशन में रैम पोजीशन करके आप इनहेलेशनल इंडक्शन करके ट्राई कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि जब आपने कोई और किसी कंडीशन में होता है। लेकिन ये बताने से पहले ये फर्स्ट गो में नहीं बताना, ये आपने ये यही होगा ना अव्वल, तो ये कि आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक जब बता दिया तो एक ऑप्शन है कि वो आपसे नहीं आगे सवाल पूछेंगे, आपसे यही सवाल पूछ लेंगे कि अवेक फाइबर ऑप्टिक कैसे करेंगे आप, और दूसरी ऑप्शन ये होगी कि वो आपको ये कह सकते हैं कि भाई अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं है, आपकी फैसिलिटी नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है, पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया, अब आप क्या करेंगे। तो दैट इज आंसर कि आप पहले बोलें कि बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क सिचुएशन, वी हैव टू एक्सप्लेन द सर्जन, वी हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट, वी एक्सप्लेन एंड देन रिस्क वर्सेस बेनिफिट वी विल डिसाइड व्हाट टू डू। पोस्ट ऑपरेटिव आपको आईसीयू में बेड का अरेंज करना है, इसके अंदर आप तमाम जो थायराइड क्राइसिस की ड्रिल जो आपको एक्सपेक्टेड चीजें वो आपके पास पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। दिस पेशेंट कैन कोलैप्स, दिस पेशेंट यू हैव टू ब्लंट द इंट्यूबेशन रिस्पांस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। इवन आप अवेक फाइबर ऑप्टिक भी कर रहे हैं तो भी आपने इंट्यूबेशन के रिस्पॉन्स को बहुत अच्छी तरह से ब्लंट करना है, ठीक है, ये आपने सारी बातें उसमें बतानी है। बाकी सारी चीजें आपको आती है, आपने उसके अंदर मेंटेनेंस फ्लूइड, आपने उसके अंदर रिससिटेटिव फ्लूइड, आपने उसके अंदर लॉसेस, अब वो टेक्निक हो रही है लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन, ये सर्जन के साथ डिस्कस करना होता है ना सर्जरी कि भाई वो ओपन कर रहे हैं या लैप्रोस्कोपिक कर रहा है, हो सकता है वो लैप्रोस्कोपिक कर रहा हो, यूजुअली तो लैप्रोटमी होती है लेकिन लैप्रोस्कोपिक भी हो सकता है, आपने डिस्कशन करनी है सर्जन से कि व्हाट इज देयर प्लान, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। जी सर एक चीज बतानी थी, वो ये है कि जो जब भी आपका लैप्रोस्कोपिक सर्ज या सर जो अबडोमिनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाली जो जो भी केस आता होता है तो आपने ये लाजमी बताना है कि इसको एनजी डालूंगा और इसको चारों कोनों से ना आई विल वो करूंगा सक्शन करूंगा एनजी सक्शन वगैरह। अच्छा ठीक है, ये इसके अंदर ना आप आपकी क्योंकि असल में आप लोग ये जो बात आप बता रहे हैं ना ये क्या इसके अंदर एनजी ट्यूब की अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है? तो क्या सिर्फ लिक्विड पार्टिकल होंगे या सॉलिड भी हो सकते हैं या होंगे? डेफिनेटली होंगे ना होंगे, लेकिन सर ट्यूब डालने का क्या फायदा होगा? रेजिडुअल चीजें पड़ी हुई हैं वो फॉर एग्जांपल वो तो कम से कम आप उसको खाली कर लें। एक्चुअली यू आर प्रोन मेकिंग द पेशेंट प्रोन टू एस्पिरेशन, तो आप इसमें भी अपने आप को सेफ रखने का तरीका ये है कि ट्रेडिशनली दिस पेशेंट्स ऑलरेडी हैव एनजी ट्यूब, इफ द एनजी ट्यूब इज इन साइटू
you will do the aspiration before proceeding for anesthesia. This is one answer. And if, for example, if patient does not have NG tube, then you have to outweigh the risk versus benefit, because when you pass the NG, there are still, you cannot aspirate the solid particles. So solid particles aspiration risk, you cannot, rather you will predispose the patient for more aspiration because you will pass the NG tube and you will finish the tone of lower esophageal sphincter. Okay, so iske answer straight away aap ye bolne ke bajaye agar aap is tarah bata denge to now you are safe. ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको कोई हीरो नहीं बनना होता, आपको बहुत एडिशनल बातें नहीं बतानी होती, आपको चीजें सेफ रख के बतानी होती है. ठीक है, तो अब ये आपका आंसर सेफ हो गया. यू विल डिस्कस विद द सर्जन, दिस आर, ये आप डालेंगे तो ये प्रॉब्लम है, नहीं डालेंगे तो ये प्रॉब्लम, नहीं डालेंगे यू कैन डू व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू रैपिड सीक्वेंस, सॉरी क्रिकॉइड प्रेशर आप देंगे और रैम पोजिशन करेंगे. रैम पोजिशन इटसेल्फ विल कॉज अ बैरियर फॉर एस्पिरेशन. ओके, ये आपने ये आप कर सकते हैं कि आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट करना है और आपने एटलीस्ट आप स्ट्रेट अवे ये ना कहें कि मैं जरूर डालूंगा. ठीक है, जरूर डालूंगा तो आप फंस सकते हैं, इसलिए बेहतर है आप दोनों उनको पॉइंट ऑफ व्यू बता दें कि एनजी ट्यूब की जरूरत, अगर एनजी ट्यूब डली हुई है तो भी एस्पिरेशन हो सकती है, बिकॉज स्पेसिफिकली इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देयर विल बी सॉलिड मटीरियल एज वेल. ठीक है, तो फीकल जो मटीरियल होता है दैट इज मोर डेंजरस. ठीक है, ये इसमें है बात, बाकी आपकी बात गलत नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आप एनजी का जिक्र आप जरूर करें, लेकिन आप उसके अंदर दोनों बातें बता दें कि एनजी कैन बी पास्ड, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच कैन यू कैन फेस इफ यू पास एनजी ट्यूब. ठीक है, ये आप इस तरह बोल दें. बच्चों वाले जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, स्पेशली पेरिस्टेनोसिस वगैरह, इसमें भी हमने सर ये चारों कोनों से इसके एनजी का, देखें आप मिक्सअप कर रहे हैं, वो इन्फेंटाइल पाइरोइड स्टेनोसिस एक अलग चीज है. ठीक है, उसके अंदर बच्चों के अंदर एनजी ट्यूब डली हुई होती है, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि वो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी. यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, जो ट्रेको एसोफेजियल फिस्टुला होता है उसके अंदर ब्लाइंड पाउच में एनजी ट्यूब डलेगी. यहाँ पर आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है, आप दोनों बातें कर दें, मैं आपकी बात को निगेट नहीं कर रहा. मुझे पता है कि बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट या बहुत सारे एग्जामिनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू में या उनकी हो सकता है कि मैं लिखा होगा एनजी आपने डाल ली है, लेकिन जब आप एनजी का जिक्र करें तो आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दें, दैट विल मेक योर आंसर बेटर. ठीक है, अच्छा, अब हमने हम लोगों ने देखें जी बहुत देखें मेरी बात सुने हम लोगों ने एक जैनब प्लीज आप इसकी एनाटॉमी बता दो, ये एक मिनट क्विकली, आपने आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और जो उसके लैंडमार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेकियल रिंग एंड अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा. प्लीज एनअप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें, एक मिनट जी. अच्छा, थायराइड, मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो. थायराइड ग्लैंड बेसिकली इसका जो वेट एडल्ट के अंदर होता है ना वो 15-25 ग्राम्स होता है. ठीक, और इसका द लेवल ऑफ फिफ्थ और सिक्स ट्रेकियल रिंग इसका लेवल होता है, बल्कि ना इसके बेसिकली इट हैज बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, सो इट हैज टू सुपीरियर और इंफीरियर पोल्स होते हैं जिसके जो से हम इसकी एक्सटेंड देखते हैं. तो सुपीरियर पोल इसका लैटरल टू इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, इसके ऊपर आगे से स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायड, होमोहायड ये सारे मसल्स होते हैं, और इनके नीचे जो सुपीरियर पोल है उसकी एक्सटेंशन अपवर्ड्स जो है ना वो एट द लेवल ऑफ ओब्लीक लाइन ऑफ द लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज होती है. अब यहाँ पर इस पिक्चर में इतना नहीं है, लेकिन ये जो थायराइड आपकी नजर नहीं आ रही है स्क्रीन, इसकी ओब्लीक लाइन आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, आप लेवल बताइए, लेवल क्या है जी. यहाँ पर जो सुपीरियर पोल है वो होता है एट द लेवल ऑफ ओब्लीक लाइन ऑफ द लेमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, और जो इसके इन्फीरियर पोल्स है ना, इन्फीरियर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, दे एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स ट्रेकियल रिंग. इसका टोटल जो एक्सटेंशन है ना थायराइड की वो C5T1 वर्टिब्रल लेवल्स बनती है. थायराइड ग्लैंड जो स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायड मसल से नीचे लोकेटेड होते हैं, दे आर एट द लेवल ऑफ C5 to T1 वर्टिब्रा. ठीक है, और इसके जो राइट और लेफ्ट लोब्स हैं इनके एक्सटेंशन इस तरह से होती है, ऊपर ओब्लीक लाइन और नीचे जो है वो हमारा फिफ्थ और सिक्स ट्रेकियल रिंग है. ठीक है,
एंड इसके अलावा ये जो इस्मस होता है, इस्मस इज अ रिलेटिवली थिन इस्मस व्हिच इज अ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग और इट मे बी इनकम्प्लीट. और इसके साथ ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड पिरामिडल लोब. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इस्मस और ये इज नॉट मैंडेटरी इन ऑल थायराइड्स. और इसके बाद जो पीछे की तरफ जो इसकी एक्सटेंशन है डॉर्सली देयर आर द फोर्थ पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं और ये इनकम्प्लीट होता है डॉर्सली. दैट्स इट. That's about its extension. अच्छा जो है आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई. सर मैं बता दूं? जी बता दें. सर इसका मोटा मोटा है बता रहा हूं आपको. सर इस्तमस इसका जो है 636 C6 लेवल पे होता है. एक्सटेंशन इसकी C5 और T1 पे होती है. इस्तमस ऐसा है जिसका 1.25 होता है. आर्टीरियल सप्लाई इसकी होती है. सुपीरियर थायराइड जो ब्रांचेज है ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के या एंड प्लस इन्फीरियर थायराइड आर्टरी. सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांचेज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. इन्फीरियर थायराइड इज अ ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक. और वीनस सप्लाई जो है ना आपके सर तीन उससे होती है आपका सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर थायराइड वेन से होती है. और सब जो ना गिरते हैं इसके ब्रैकोसेफेलिक वेन के अंदर जो कि सुपीरियर वेन के अंदर जाते हैं. थायराइड साइज जो ना 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, 2 सेंटीमीटर थिक होता है, 25 ग्राम का होता है. नर्व सप्लाई इसकी जो है तीन नर्व सप्लाई होती है सिंपथेटिक वाली जो है सुपीरियर मिडल इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से. ऑपरेशन सिंपथेटिक जो है ना आपका सुपीरियर लैरिंजियल नर्व लैरिंजियल नर्व से होती है. सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की जो 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 लैरिंज की बता रहा हूँ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो है आपका वो क्रेको थायराइड को सप्लाई करता है. एक्सटर्नल ब्रांच और इंटरनल ब्रांच आपका वोकल कॉर्ड के अबव को सप्लाई करता होता है. और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आपके वोकल कॉर्ड के नीचे वाले सेंसरी को भी सप्लाई करता है और क्रेको थायराइड को छोड़ के सब मसल को सप्लाई करता है मेरे ख्याल. ठीक है. तो अच्छा एक मिनट मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा था. ये एक्सरे मेरे सामने है. ठीक है जैनब एक ये स्टॉप कर दो शेयरिंग. जी अच्छा ये एक मिनट के लिए ये कौन बताएगा? नुसरत आप बताएं इसमें क्या फाइंडिंग है इस एक्सरे में. नीचे आप लोग मैसेज में लिख सकते हैं कमेंट्स. सर इसमें ट्रेकिया डेविएटेड है लेफ्ट साइड और अगर ये आपका यही एक्सरे टोक्स में रखा हो तो आप मीडियास्टिनल शिफ्ट है इसमें. मीडियास्टिनल शिफ्ट है. अच्छा ये जो हमने तरतीब की थी ये कौन सा व्यू कौन सा लग रहा है आपको? एपी लग रहा है पीए लग रहा है एपी 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 व्यू लग रहा है. ओके उसके बाद ये इसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग नजर आ रही है फाइंडिंग्स बताइए. एक इसके अंदर क्या आप देखें इसका जो थ्रेसिक एंडलेट है वो कैसा लग रहा है? थ्रेसिक इनलेट जो है इसका बहुत ज्यादा प्रोनाउंस लग रहा है. ट्रेकिया इसका शिफ्ट डिविएटेड हुआ है लेफ्ट साइड से. और इसके अंदर जो हाइलर वैस्कुलर मार्किंग है वो बहुत प्रोमिनेंट है. और इसके अंदर गैस इन स्टमक नजर आ रही है. ठीक है बाकी कोई बोनी नहीं नजर आ रही. पेनिट्रेशन ठीक है. ओरिएंटेशन ठीक लग रही है? जी सर. सर ट्रेकिया राइट को डेविएटेड है. सर ट्रेकिया राइट को आई एम सॉरी मैं गलत बोल के हूं. राइट यहां पे स्क्रीन पे लेफ्ट पे आ रहा है ना तो दिमाग कभी-कभी देखें खराब आप लोगों ने करवा दिया मेरा. राइट साइड पे आई एम सॉरी ये ठीक है राइट साइड पे है ये यहां स्क्रीन पे लेफ्ट है तो मैंने लेफ्ट बोल दिया राइट साइड पे. ठीक है
और इसके अंदर कोई आपको बोनी बोनी कोई डिफॉर्मिटी नजर आ रही है? कितनी रिब्स कितनी नजर आ रही है इसमें सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में नजर आ रही है सर इसमें। ये आप कौन सी आपने काउंट की है? 9 सर। ये 1 सर, ये आपका कर्सर जो मूव कर रहा है उसी के साथ मैं काउंट कर रही हूँ, लेकिन 8 तो नजर आ ही रही है सर। 8 तो मैं तो वो वैसे ही फेर रहा था, आप बताइए। आप सर नहीं, आप वो फेर रहे हैं लेकिन मैं अपनी फिंगर जिस तरह करी आपका कर्सर याद हो सर, मुझे 8 तो नजर आ रही है। 8 बहुत नीचे, 7 है सर। ठीक है, समराइज्ड। एक मिनट। हाँ जी, ये ECG नहीं, एक्सरे कहेंगे। हाँ, एक्सरे है वेल डिफाइंड वाइडनिंग ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड डिविएशन ऑफ ट्रेकिया टू द राइट व्हिच सजेस्ट्स अ थायराइड गॉइटर, ब्लंटिंग ऑफ राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये इन्होंने राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल को किस तरह ब्लंट कहा हुआ है? इतना ज्यादा ब्लंटिंग तो नहीं है, बस ठीक है, ये है, ये थोड़ी सी ठीक है। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। इस ECG में कोई फाइंडिंग नजर आ रही है? ये क्या है ECG में? इसे ECG में क्या फाइंडिंग है? साइनस टैकीकार्डिया। नहीं सर, देयर इज नो पी वेव। इसमें पी वेव जो है तो SVT लग रहा है क्योंकि पी वेव सुपरवेंट्रिकुलर है। हां, सुपरावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, एक्सेप्टेबल, लेकिन जिसमें भी पी वेव नहीं होगी तो वो SVT हो जाएगा। इसका हार्ट रेट कितना है? अच्छा, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है तो क्या है? एट्रियल सर, इसमें रिदम तो रेगुलर नहीं है। रिदम रेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन में इररेगुलर रिदम होता है। अच्छा, एट्रियल फ्लटर कैसे होगा? शॉर्ट टू अपीयरेंस होती है इसमें। इसमें V5 में ST डिप्रेस। आपकी आवाज कट रही है सर। एक इसमें सर AVF में जो है टी वेव इन्वर्जन है। AVF में तो टी वेव इन्वर्जन वैसे ही होती है। क्या हो गया नुसरत सर? लेकिन पी वेव नहीं है ना वहां पे। अच्छा, देखिए इसमें पी वेव नहीं है, ये इसकी फाइंडिंग पढ़ लें सर। सारी इंफीरियर लीड्स में टी वेव इन्वर्जन। ये देखिए, एक मिनट, मोस्ट लाइकली टू बी एट्रियल फ्लटर, ठीक है। ST सेगमेंट डिप्रेशन इन V4 टू V6, इवन इन्वर्जन इन 2-3 AVF। एक मिनट, ST सेगमेंट डिप्रेशन का है। अच्छा सॉरी, मैं AVR से मिक्स कर गया हूँ भाई, आई एम सॉरी। अब मेरी भी बैटरी चावल खत्म हो गई है, अब मेरा ख्याल है हम डिस्कशन खत्म कर सकते हैं। इसके अंदर इंफीरियर लीड्स में इस्कीमिया हो रहा है, ये देखें 2-3 और AVF में। मैं इसको AVR समझ रहा था। हाँ जी ठीक है, आई एम सॉरी। उसमें आप होती है ना इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली है, ये देखें, ये किताबें आप देखें, ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसलिए कि ये किताबें प्लीज अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों की एक ही वक्त में इतनी सारी चीजों की रिवीजन होगी ना कि आपकी सोच है। तो ये जो इवन जो जूनियर्स हैं, ये अगर आप लोग यकीन कीजिए, ये आप कहेंगे कि ये मैं अजीब बात कह रहा हूँ, लेकिन आप अगर एक एक लफ्ज के अंदर से चीजों को ढूंढ ढूंढ के आप एक्सप्लोर करें, दीज बुक्स आर वंडरफुल बुक्स, ठीक है। ये आप, क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो गई है बोल बोल के, तो मैं आपको सारी गलत बातें बताना शुरू कर दी हैं, इसलिए बेहतर है बंद कर दें, खत्म कर दें। लेकिन बहरहाल ये किताबें प्लीज आप लोग जरूर पढ़ें, ये सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ये किताब ठीक है, और
ये भी अच्छी है, लेकिन ये वो नंबर, इसलिए मैंने नंबरिंग में इसको 4 नंबर पे मेरे ख्याल रखा हुआ है। और ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। अगर कोई चीज की कमी कोताही रह गई हो तो माजरत खाऊं, और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी, लेकिन देखें तरतीब से अगर आप चीजों को देखें, अतीक अब आपको समझ आई हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। स्टार्ट हमने यहाँ से किया था कि हमने चीजों को तरतीब देना है, आपने अब बताना है ना, जब तो आपने मैस इफेक्ट्स को अलग बताना है, सिक्रेटरी इफेक्ट्स को अलग बताना है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड चीजों को पहले बताएं, कोरिलेट करके बताएं, वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, पता लगे कि कोई सही बंदा बता रहा है, ठीक है। और नुसरत जो है ना वो हाइपोथायराइड के अंदर थायरोक्सिन नहीं देगी, और फिर उसके बाद सर, सर उसने डॉक्टर नुसरत ने सर वो मॉर्गन शरीफ को मतलब उसका जो नहीं मुर्शिद बनाया हुआ है, क्या करें? नहीं सर, आप लोगों को मैं किताबों से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सारी सारी चीजों की दुनिया आप लोगों को घूम फिर के एक ही बात कहती है, किताब किताब। यू नो, एक आपकी बेसलाइन टेक्स्ट बुक होनी तो जरूरी है ना। यू कैन नॉट रिलाय होली सोली ऑन आर्टिकल्स, इस तरह के आपको चैंपियन लोग मिलेंगे, ठीक है। हाउ कैन यू रिलाय ऑन आर्टिकल्स, यू नो आपको समझ ही नहीं आता कि कितने जो है वो आर्टिकल्स हैं। खुदा का खौफ करें आप लोग, आप लोग 2021 में पाए गए हैं, आप लोगों को 1920 में होना चाहिए था, ठीक है। आप लोग मॉर्गन पढ़ते परिस्थितिश करते, ऑक्सफोर्ड पढ़ते परिस्थितिश करते, आपकी दुनिया ही वहीं से शुरू होती, वहीं पे खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन खुदा के लिए अब 2021 जो जूनियर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग खुदा, एक क्वेश्चन है। जी 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 सर, मैक का जो इफेक्ट है आपने, जैसे इफेक्ट ऑफ मैक इन थायराइड डिजीज, तो उसका क्या रिलेशन है? मुझे एक बात बताइए, मैक का इफेक्ट वैसे मैक कैसे डिफाइन होती है, मुझे बताइए। नहीं, आप गलत बता रहे हैं, सब लोग गलत बता रहे हैं, प्लीज एक मिनट। जो आप बता रहे हैं जमील, आपने जो बोला है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ये उसकी स्पीड ऑफ ऑनसेट पे होता है। मैं मैक की बात कर रहा हूँ, मैक इज बिकॉज ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो मुझे बता दें कि हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में लिपिड सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है? या नहीं इफेक्ट, वो मुझे बताइए कि ज्यादा होना चाहिए रिक्वायरमेंट या कम होनी चाहिए। असूलन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर मरीज को आप कह रहे हैं कि वो सोया हुआ है, ठीक है, तो मरीज सोया हुआ है तो उसमें मैक की रिक्वायरमेंट कम हो जानी चाहिए, ठीक है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर मैक की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस आउट हो जाती है, चेंजेस हो रही होती हैं। मुझे बताइए कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कार्डिक आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है, कोई होता है इफेक्ट? नो इफेक्ट, ठीक है। ये जो आपने अभी बोला है ना ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, दैट इज फॉर स्पीड ऑफ ऑनसेट, दैट इज नॉट मैक। अचीविंग मैक इज समथिंग एल्स एंड मैक रिक्वायरमेंट इज समथिंग एल्स। तो मैक रिक्वायरमेंट पे कोई सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इन सारी चीजों का किसी का लिपिड सॉल्युबिलिटी से इफेक्ट बन रहा है। चीजों को अगर आप वो उस तरतीब में लेके आएंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा। बॉटम लाइन जो डॉक्टर फसल लेक्चर में वो बोलते थे ना जुमला, मुझे उसको कि आप उसकी फेस वैल्यू पे जाएं, तो उसकी फेस वैल्यू क्या कहती है? ऑयल गैस सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। ऑयल गैस सॉल्युबिलिटी से होता है ये, इसी से आपकी पोटेंसी भी होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी और मैक, ये एक कहानी, ठीक है। मैक अचीव कितनी चाहिए? जी जी
सर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इंजरी जब होती है तो सॉरी सर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंजरी जब होती है तो उसमें हम कहते हैं ना कि यूनिलैटरल डैमेज हो रहा है या बायलैटरल डैमेज, तो सर उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में किस तरह से डीडी करेंगे सर? इसको मैं बता दूं? हाँ जी, ये अजहर के जिम्मे था ये टास्क। ये जो चीजें मैं भूलता हूँ मैं लोगों को जिम्मे लगा देता हूँ कि भाई मेरी मदद के लिए आ जाओ, ये मुझे भूल जाता है भाई। लेकिन एक्यूट में देखे मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ अजहर को, एक्यूट के अंदर और प्रेजेंटेशन होती है, क्रॉनिक के अंदर ए और प्रेजेंटेशन होती है, ए वन यूनिलैटरल के अंदर और प्रेजेंटेशन होती है, बायलैटरल के अंदर और प्रेजेंटेशन होती है। ये एमसीक्यू के रेफरेंस है जी, अजहर बताइए। सर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की अगर यूनिलेटरल है ना डैमेज तो उसका जो है ना वो हॉर्सनेस आएगी। अच्छा अब फिर बायलेटरल की तरफ आते हैं, अगर बायलेटरल एक्यूट है तो उसमें रेस्पिरेटरी और बिल्कुल वो जुड़ जाते हैं ना वोकल कॉर्ड्स, तो स्ट्राइडर भी होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो गया। अच्छा अगर वो क्रॉनिक में चला गया है तो फिर एफोनिया होगा उसको। अच्छा और अभी इसमें ये कि जुड़ क्यों जाते हैं, मैं ऐड करूं सर? सर सुनिश्चा मैं ऐड करूं? हाँ इसी का ही, पहले आप इसी का ही आंसर दें कि जुड़ क्यों जाते हैं। थी अच्छा सर इसमें इस तरह होता है कि अगर आपका अगर दोनों बायलेटरली आपके दोनों कंप्लीट वो हो गई ना ट्रांस वो मतलब हो गई है तो फिर आपके दोनों दोनों जुड़ के आ जाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, यही मेरा यही क्वेश्चन है कि कौन सी चीज होती है जो 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 अगर पार्शियली डैमेज हो गए सर, दोनों अगर पार्शियली डैमेज हो गए तो देन वो बिल्कुल कंप्लीट जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होने का चांस ज्यादा होता है। और अगर सर अजहर ने बिल्कुल सही बताया, अगर अगर एक सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था ना, थायराइड टेंस करके रखेगा क्रीको थायराइड, अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की होगी तो क्या होगा सर? वो टेंसर है सर, वो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जी बिल्कुल करेगा सर, एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। एस्पिरेशन का तो रिकरेंट लैरिंजियम में हो जाएगा, असल में वो टेंसर है वोकल कॉर्ड के, तो उससे वोकल कॉर्ड जो होता है ना वो जस्ट लाइक एक थ्रेड नहीं तरह होगा, जो एक ढीला से धागा होता है ना बल्क खाता हुआ zigzag तरह का, वैसे ही उसकी शेप होगी। एक्चुअली जो है ना जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना, एक रियल वोकल कॉर्ड है, एक वेस्टिबुलर कॉर्ड्स है, और इनके दो फंक्शन है, एक अबडक्टर और एडक्शन। जो एडक्टर है ना, ठीक है, वो अगर किसी भी इंजरी में वो कम कंप्रोमाइज करता है कंपेरेटिवली जो है ना अबडक्टर, यानी कि जो उनको खोलना होता है। इसके फिर हम तीन लिहाज से इनको देखेंगे, ठीक है। एक तो जब इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि वोकल कॉर्ड खुलते हैं, और एक है फोनेशन, फोनेशन में जो है ना वो क्लोज होते हैं, ठीक है, और उसमें वो नैरो होते हैं, उस वजह से जो ना आवाज पैदा होती है। एक होती है कि जब कैटावेरिक है, जिसमें जो मुकम्मल तौर पर जो ना वो दोनों साइड पे वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल मिड लाइन में आ जाते हैं। हम इन तीनों के रेफरेंस से ना इनको भी चेक करते हैं। अगर तो कह सकते हैं कि पार्शियल इंजरी हुई है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, तो उसमें अगर तो यूनिलैटरल हुई है तो उस साइड का जो वोकल कॉर्ड होगा वो टेंस तो होगा, मगर ये है कि उसका जो एडक्टर वाला फंक्शन है ना वो लेस कंप्रोमाइज होगा अबडक्टर की तरह, वो मुकम्मल तौर पे पूरा खुलेगा नहीं। एक साइड का जो कह सकते हैं जब वो इंस्पिरेशन होती है तो जो हेल्थी साइड पे होगा ना वो अपनी साइड पे पीछे पैक हो जाएगा, ठीक है, जबकि अबडक्टर मैंने कहा कि वो ज्यादा कंप्रोमाइज करता है, तो वो कह सकते हैं कि एक जैसे ट्राइंगल बनती है ना, ठीक है, उसमें जो जिस साइड पे इंजरी हुई है ना, ठीक है, वो पार्शली तौर पर जो है ना दरमियान में रहेगा, पीछे पूरा नहीं हटेगा। जो इन्वर्टेड आप वी कह सकते हैं जिसको देखें वो टेरी नजर आएगी, और वो उस साइड पे जिस साइड पे इंजरी हुई हुई है वो वी उस साइड पे जो उसका एक लाइन होगी ना वी की, जिस तरह से हम कहते हैं जो है और मैं वो मुकम्मल तौर पे पीछे नहीं होगा, तो वो टेरी वी नजर जो है नजर आएगी। अगर वो मुझे के वो पिक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, प्लीज आप मुझे सिर्फ इतना बताइए क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन आता है ना कि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व अगर यूनिलैटरल हुई है तो क्या इफेक्ट होगा? हाँ, फिर उस साइड का जो वोकल कॉर्ड होगा ना सर वो zigzag की तरह जो होगा, जो हेल्थी साइड पे होगा वो टेंस होगा स्ट्रेट लाइन की तरह, जबकि वहां पर ऑप्शन में लिखा होता है एफोनिया, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, हॉर्सनेस, इनमें से क्या चीज सिलेक्ट करेंगे आप?
सर देखिए जो आएगा सर मिनिमल इफेक्ट होगा ठीक है लेकिन उसका मिनिमम बात हो सकती है जब आप ज़िगज़ैग कह रहे हो ना तो एस्पिरेशन का रिस्पोंस है ना पूरी तरह टेंस नहीं कर पा रहा ना तो सारा ने जो बोला था यही आंसर है अब अगर बायलैटरल वो क्लोज नहीं होगा बिल्कुल क्लोज नहीं होगा उसमें से जो है ना वो थोड़ा सा गैप जो कर देगा रिस्क हो गया ना एस्पिरेशन का रिस्क होगा ठीक है एस्पिरेशन का और बायलैटरल होगा तो ये चीज और प्रोनाउंस होगी अगर यूनिलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हुई है तो होर्सनेस होगी अगर बायलैटरल होगी तो डिस्टोनिया हो गया ठीक है मेरा ख्याल है कि आई थिंक इट इज मोर देन एनफ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो थैंक यू सो मच सर जज़ाकल्लाह हेल्पिंग बुक्स हैं जरूर पढ़ें अतीक आप अपनी सिर्फ चीजों को रिफाइन करें आपको ओवर आता है आपको माशाल्लाह सब कुछ आता है लेकिन अब आपने सिर्फ प्रोग्राम करना है उन चीजों को ठीक है और प्रोग्राम करने के अंदर इंप्रेस ना करें क्योंकि इंप्रेस करने में आप डिप्रेस हो सकते हैं बस मैं आप लोगों को वहां पे डिप्रेशन से बचाना चाहता हूँ रिलैक्स करके आप अपने आप को आप एग्जामिनर को खुद यूटिलाइज करें जो एग्जामिनर को पर्चा ले लें ना तो मेजोरिटी एग्जामिनर वाइवा नहीं ले सकते ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात का उनसे अगर वो पर्चा ले लिया जाए ना तो वो लोग आपसे वाइवा नहीं ले सकते हमारे हमारी बदकिस्मत ही है हमारे सिस्टम की कि हमारे ऐसे भी एग्जामिनर्स मौजूद हैं ठीक है तो वो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें ये शायद कह लें कि मैं अगर कोई ये बात मेरी सुनेगा कोई सीनियर तो वो कहेगा ये बहुत बदतमीजी कर रहा है मैं बदतमीजी नहीं कर रहा मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है आपको वहां पर चीता बन के रहना है ये जो जमील ने जो पिक्चर लगाई हुई है ना ये आप सब लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर में ये तस्वीरें लगाएं ठीक है मैडम नुसरत से कहें कि सर वो जो मॉर्गन शरीफ की पिक्चर लगाई है वो हटा दें ठीक है तो असल में देखें मैं मेरा मकसद आप लोगों का है मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं किसी को मतलब ऐसा ना लगे कि मैं किसी एक को मौका दे रहा हूं किसी दूसरे को नहीं दे रहा हूं हां कोशिश ये है कि देखें ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्योंकि सबका फायदा हो ठीक है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज अच्छा मैं एक चीज ऐड करूंगा वो डॉक्टर नुसरत को शायद डिप्रेस हुई होगी उसकी बात आपके लिहाज से ठीक है मगर ये बात नहीं कहनी चाहिए जो हाइपोथायरायडिज्म की जो लिवोथायरोक्सिन मेडिसिन है ना वो ग्रेजुअली उसका इफेक्ट होता है अचीव होता है और ग्रेजुअली उसका जो इफेक्ट है ऑफसेट होता है ठीक है एक दिन की डोज मिस करने से कुछ नहीं होता मगर ये हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हमने कोई भी वो मेडिसिन वो मिस करनी है ये मॉर्गन में लिखा हुआ है यही एक चीज़ है कि मॉर्गन ने हर चीज़ को जहाज पकड़ पकड़ दे दिया हुआ है और उसके पीछे उसने कोई लॉजिक नहीं देता तो एक डे की डेज जो है ना एक दिन की हम मेडिसिन उसमें स्किप कर सकते हैं मगर ये हमें एग्जाम में खाम खा बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है उसको हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे ठीक है ये आप डिफेंड नहीं कर सकती और दूसरी बात ये है कि मैं आपको इसका और भी बता रहा हूँ कि जब स्ट्रेस होता है ना तो इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है तो इट इज बेटर नॉट टू स्टॉप थैंक यू थैंक्स अ लॉट ठीक है ओके जी एवरीबॉडी थैंक यू इंशाल्लाह अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो रात को हम लोग हाइपरटेंशन कर सकते हैं रात के जो टाइम है हमारा ठीक है पौने 11 बजे हाइपरटेंशन इंशाल्लाह पौने 11 बजे थैंक यू वेरी मच जरूर करवाइएगा डॉक्टर अतीक ने हम ही भर लिए हां नहीं नहीं भाई अतीक तो हमारे चीफ गेस्ट हैं हमें कभी कभी लिफ्ट कराते हैं हां सर ये बात तो है काफी को जरा चीफ गेस्ट बनाए हो सकता है सर भी एकदम आ जाए सारा पावर सर अतीक से आपने लिया है लगता है आज भाग जाएंगे नहीं 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 मैं आई विल बी देयर इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह मैं आज आ जाऊंगा पौने 11 बजे इंशाल्लाह ओके जी अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़